स्टूडेंट्स कैसे हो सारे के सारे यार। ये थोड़ा सा देखो डिले हो गया, उसके लिए अगेन एक सॉरी। और साथ में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिजिटल नंबर सिस्टम। सो आज की जो हमारी आज से हम शुरू करेंगे यहाँ से हमारा चैप्टर टू। और चैप्टर टू हमारा क्या है, डेटा रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अभी तक हमने कंप्यूटर के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी ले ली, बट अब हम शुरू कर रहे हैं कि डेटा को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है दोस्तों, आप सभी से बोलना चाहूँगा कि ये पूरी सीरीज चल रही है, चैप्टर वन खत्म हो गया है, टू अभी चल रहा है, और बस ऐसे ही चलते रहेंगे साथ साथ, और आपके ऐसे आपको अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी बिल्कुल फ्री में। सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और सपोर्ट करो यार। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है, आज का हमारा टॉपिक है डिजिटल नंबर सिस्टम। ठीक है, डिजिटल नंबर सिस्टम। अभी तक क्या था कि हम सभी लोगों ने, यहां से अच्छा एक बात बताओ मुझे, मैंने तुमको पढ़ाया अप्रोच की तरीके से, तो तुम लोग ये जरूर बताना कि आपको जो मेरा अप्रोच वाला तरीका है वो कैसा लग रहा है। ठीक है, कमेंट किया करो यार कि हम ऐसे ही इंटरेक्शन कर सकते हैं। साथ में मैं रोज सैटरडे को लाइव भी आता हूँ 9 बजे, तो उसमें भी आप लोग आ सकते हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ कॉमन दिख रहा है हमारे कॉमन सी अप्रोच क्या बोलते हैं कि भैया ये नंबर सिस्टम जो है, इससे हम थोड़ा इसको हम पढ़ चुके हैं पहले। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। और ये डिजिटल मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि जैसे हमारा 1 2 3 4 5 6, जैसे हमारा मैथमेटिक्स में एक नंबर सिस्टम बना हुआ है ना, उसी तरीके से कंप्यूटर में भी क्या है, एक नंबर सिस्टम है, जिसको हम बोल रहे हैं डिजिटल नंबर सिस्टम। ओके, बात क्लियर इतनी सी? हाँ, इतनी सी बात क्लियर है। अब आगे हम बात करेंगे कि कुछ मोस्ट कॉमन जो सबसे ज्यादा यूज करे जाते हैं वो हम आपको बता देता हूं मैं। वो हो गया हमारा बाइनरी, ठीक है, बाइनरी हो जाएगा। इसके बाद हो गया हमारा ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, और एक और बच रहा है, वो कौन सा बच रहा है हमारा, है डेसिमल। डेसिमल नंबर सिस्टम। सो सबसे पहले आज जिसकी बात होने वाली है, आज हम बात करेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में। सो स्टूडेंट्स, आप सभी को एक और चीज बताना चाहूंगा कि देखो, मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज लेके आया हूँ। यहाँ पर मैं वो शॉर्ट्स नोट क्रिएट करे हुए हैं, आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से। अब मैं ये बिल्कुल नहीं बोल सकता कि ये नोट्स आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, अगर आप इनको अच्छे से पढ़ लोगे, ठीक है, और तो मैं तो अभी इन्हीं से पढ़ाऊंगा, ठीक है, क्योंकि यार क्या है कि आपको आसानी रहेगी आपको जो टॉपिक है उसको पढ़ाने में। अभी क्या होता है ना कि मैं तो इससे कई ज्यादा इसको पढ़ चुका हूँ, बट आपका मैं टॉपिक के तहत रहूँ तो इसके हेल्प लेके पढ़ाना पड़ता है। ओके, यहाँ तक बात क्लियर है? क्लियर है। अब एक चीज और समझ लो, मैंने इतना बता दिया है तुमको, तो ये जो हर एक नंबर सिस्टम है, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल और डेसिमल, इनका कुछ बेस होता है। अब इतना इंट्रोडक्शन ले लिए तो ये भी थोड़ा ले लिया जाए। डेसिमल का जो बेस होता है वो होता है 10, और बेसिक क्या होता है अभी आगे बताऊंगा। बाइनरी का होता है 2, ऑक्टल का 8 और हेक्साडेसिमल का होता है 16। इतनी सी बात अगर समझ में आई तो हम बढ़ेंगे आगे। और सबसे पहले हम कवर करेंगे आज की इस वीडियो में डेसिमल नंबर सिस्टम को, ठीक है। सो हमारा टॉपिक यहां से बदल जाएगा और टॉपिक है डेसिमल नंबर सिस्टम। आप लोग बताओ कि आपके स्कूल में कौन सा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है डेसिमल नंबर सिस्टम। अब ये कुछ ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर डेसिमल नंबर्स आएंगे। क्या आएंगे इसके अंदर? डेसिमल नंबर्स आएंगे। अब सबसे पहले ये समझ लो, बार बार डेसिमल डेसिमल हो रहा है, तो ये जो डेसिमल है इसका मतलब क्या, देखो इस डेसिमल का मतलब होता है बेसिकली 10, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है 10। और अब यहां से समझो इसके अंदर है क्या, ये डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर यहाँ पे 10 डिजिट हैं। क्या है 10 डिजिट? वो कौन कौन सी है देख लो, वो है हमारी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, क्योंकि हम 0 से शुरू कर रहे हैं तो हमें 9 पे खत्म करना होगा, हमारे 10 डिजिट हो जाते हैं। यहाँ पे गिनने शुरू करें क्या, गिनती हम यहां से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ, हो गया भैया, चलो बहुत अच्छी बात है। अब आपको कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा जिसको मैं ये करके देख रहे होंगे। अगर हमको यहाँ पर किसी भी नंबर को, मैंने आपको एक चीज बताई थी इसका बेस क्या है 10,
क्या है बेस है इसका कितना है 10। अगर मैं तुमसे पूछ लूं कि इसका रेडेक्स कितना है, क्या कितना है रेडेक्स, आर ए डी आई एक्स, रेडेक्स कितना है, तो भैया रेडेक्स क्या होता है, जो बेस होता है ना बेस को हम क्या बोलते हैं रेडेक्स भी बोलते हैं, इस बेस को हम रेडेक्स भी बोलते हैं। तो रेडेक्स कितना हो गया भैया, रेडेक्स भी हो गया हमारा 10। क्यों हुआ, क्योंकि हमारा बेस 10 था। इतनी बात समझ में आई? हाँ भैया इतनी सी बात समझ में आ गई। चलो अब हम आगे बढ़ेंगे। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता देता हूँ कि कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं और क्या चीज है। हमने जो हमारा बचपन में चीज पढ़ी थी हमने, जैसे हमने पढ़ा था क्या, देखो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड, ठीक है इस तरीके से होता था ना। अब हम वापस से अपने बचपन में चलेंगे और आपको कंप्यूटर के बारे में यहां से चीजें पढ़ाई जाएंगी। देखो अब जो क्या है ये, तो हम इनको अगर 10 की पावर में रिप्रेजेंट करेंगे, अगर जैसे कि आपका डेसिमल नंबर सिस्टम है ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि हम जो इसकी पोजिशनल वैल्यूज, पहले आपको कुछ टर्म बता देता हूं, देखो पोजिशनल वैल्यूज, पोजिशनल वैल्यूज ठीक है, और पोजिशनल वैल्यूज ये हो गई। अब इसके साथ में दो टर्म हो रहे हैं हमारे पास, एक रहेगा हमारे पास एमएसडी, ये देखो एमएसडी, अरे वो महेंद्र सिंह धोनी वाला नहीं है यार, कहाँ चले जाते हो। एमएसडी का मतलब है मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। अब ये ऐसा क्यों है ये भी आपको बताऊंगा अभी, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। और एक है एलएसडी, अब एलएसडी का मतलब है लीस्ट सिग्निफिकेंट, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। और यह एक चीज का ध्यान रखना कि अगर ये डेसिमल नंबर सिस्टम है तो यहां पर यूज हो रहा है डिजिट, ठीक है। अगर जैसे नंबर सिस्टम बदलेगा तो ये एमएसडी की जगह कुछ और हो जाएगा, ओके वो मैं जब दूसरा नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तो वहां पे मैं बात करूंगा। अब पोजिशनल वैल्यूज क्या होती है ये समझो, पहले जो ये पोजिशन है ये क्या है, वंस है, तो वंस पे यहाँ पे क्या लिखेगा, देखो अगर हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम है तो यहाँ पर जो भी इसका बेस रहेगा उसकी पावर जीरो रहेगी, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार फिर से कि इसका बेस क्या है 10, सो इसकी पावर 10 की पावर जीरो। अभी ध्यान से समझो बस, जब ये क्या है वंस टेंस, तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी 1, और यहाँ पे 100 यानी कि 10 की पावर 2, 1000 में पावर 3, सॉरी 10 की पावर 3। तो अब एक चीज समझ लो, जैसा ये 1 से लिखा है, 1 का मतलब क्या, यहाँ पे 0 मानो ठीक है, और 2 का मतलब 1, इसको अगर ऐसे भी हम बोल सकते हैं। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे 10 की पावर 0 तो क्या होगी 1, 10 की पावर 1 क्या हो गई 10, 10 की पावर 2 क्या हो गई 100, बात क्लियर है, 10 की पावर 3 क्या हो जाएगा 1000। तो जो ये आंसर है और इनकी पोजिशनल वैल्यूज, ये देख रहे हो आप वंस टेंस हंड्रेड्स और थाउजेंड्स, तो ये तो उनकी पोजिशनल वैल्यूज होती है, ठीक है आपको पोजिशनल वैल्यूज समझ में आ गया होगा। अब क्या है एक डाउट होगा भैया, अगर हमारा चलो पहले ये समझो ठीक है। अब मैं आपको एक नंबर के एग्जांपल से समझाता हूं, अगर मेरे पास एक नंबर है लाइक एग्जांपल 1 ठीक है, देखो इस यूनिट में जितने एग्जांपल से समझाऊंगा ना उतना तो मतलब कहीं नहीं यूज करूंगा। अगर यहाँ पे है 296, 296 है, अब आपको इसको पोजिशन, अगर इसको मैं एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखूं तो देखो हम कैसे लिखेंगे। अभी मैंने आपको ये दो चीज नहीं बताई, ये भी अगर डिस्कस करूंगा, पहले इसको इससे इसका एग्जांपल ले लेते हैं। 6 क्या है, 6 वंस पोजिशन में, तो कैसे लिखा जाएगा, एक आपके पास तरीका है ऐसे लिखने का कि हम इसको एक तो ऐसे लिख सकते हैं 10 की पावर 0 ठीक है, और ये 6 एक यहाँ हो गया हमारा, और 9 इधर और 2 इधर, 10 की पावर 1 और 10 की पावर 2। अगर हम चाहते हैं हमें इसकी एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेट करनी तो देखो हम क्या कर सकते हैं, हमें सिंपली करना है जो हमारी ये वैल्यू है और जितनी पावर है लाइक 2 इंटू ये क्या है 10 की पावर 2 ओके, प्लस 9 इंटू 10 की पावर 1 प्लस पावर 1 आई ओके, 6 इंटू 10 की पावर 0, तो देखो ये क्या होगा 2 इंटू 100, 9 इंटू कितना हो गया ये 10 प्लस 6, बिकॉज 10 की पावर 0 क्या होता है 1, याद रखना आप लोग। तो जब इसको ऐड करोगे तो आपको यही नंबर मिल जाएगा, मिल गया। अब यहां से ये आपको ये भी समझा देता हूं एमएसडी और एलएसडी क्या लिखा हुआ है, देखो मैंने ही बिगाड़ दिया इसको, वैसे बिगाड़ना नहीं था, चलो आपको बताता हूं। जो भी हमारी लास्ट डिजिट होगी, अभी हम पॉजिटिव वैल्यू से बात कर रहे हैं, जैसे ये हमारी लास्ट डिजिट है
ठीक है, इन सब में छोटा तो सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटी पोजीशन कौन सी है, सबसे छोटी जो पोजिशनल वैल्यू होगी वो हमारी होती है क्या, LSD। तो हम इसको लिख सकते हैं कि इसको बोल सकते हैं स्मॉलेस्ट पोजिशनल वैल्यू, ओके, स्मॉलेस्ट पोजिशनल वैल्यू। और MSD क्या होगी फिर, अगर ये स्मॉलेस्ट है तो ये हो जाएगी हाईएस्ट पोजिशनल वैल्यू। बात क्लियर है, क्लियर है, लेकिन भैया अभी तक समझ नहीं आया ये MSD LSD है क्या, अरे है क्या ये समझाओ तो पहले। चलो समझते हैं, देखो आओ यहां पर अभी जैसे मैंने लिखा था वैसे इसको एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले तो आपको दो, एक तो मैं दो चीज की बेसिस समझाता हूँ, ठीक है। पहला तरीका ये ले लेते हैं कि सबसे पहले मैंने क्या लिख रखा है, यहां मैंने लिखा है कि LSD पहले ढूंढते हैं स्मॉलेस्ट पोजिशनल वैल्यू, तो यहाँ पे सबसे छोटी पोजिशनल वैल्यू कौन सी है, 10 की पावर 0। अगर मैं इसको इवेल्युएट करें तो 10 की पावर 0 क्या आएगा, ये 1 आएगा, इसको इवेल्युएट करोगे तो 100 आएगा, इसको करोगे तो ये 1000 आएगा। बात इतनी समझ में आ चुकी है, हाँ भैया। तो हमारी जो LSD हो गई यहाँ पे, LSD क्या हो गया, LSD मतलब लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट का मतलब स्मॉलेस्ट पोजिशनल वैल्यू जहां पे है वहां पे है, और वैल्यू क्या है यहाँ पे 6। बात समझ में आई, हाँ समझ में आई। अब बात करेंगे अब हम यहाँ पर MSD की, MSD का मतलब क्या होता है, MSD का मतलब होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। अब मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट का मतलब क्या है, हाईएस्ट पोजिशनल वैल्यू। अब इसमें देखो हाईएस्ट पोजिशनल वैल्यू किसकी है, एक चीज बता देता हूं आपको, एक छोटी चीज ट्रिक, बहुत आसान चीज है। जब भी आपको किसी भी नंबर का MSD चाहिए हो, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट या हाई पोजिशनल वैल्यूज, तो उस नंबर के आप लेफ्ट में चले जाओ, ठीक है। ऑब्वियसली बात ही ऑब्जर्वेशन है यार, ट्रिक्स हमेशा ऑब्जर्वेशन से ही बनती है। बात क्लियर है, हाँ क्लियर है। सो इसका क्या होगा यहाँ पे, इसके अगर हम बात करें तो हमारे MSD हो जाएगी यहाँ से क्या, ये हाई पोजिशनल वैल्यू 10^2, तो ये हो गई MSD, ठीक है। अब एक और कंसेप्ट सुन लो, ये LSD क्यों, ये MSD क्यों, देखो जब हम इसको ऐसे मैंने वैल्यूएट किया था कि 2 × 100 किया था ना, प्लस 9 × 10 प्लस 6 × 1, तो अब आप एक एक पोजीशन का आंसर लिखो, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 होगा, ये हमारा 90 हो गया और ये हमारा 200 हो गया। तो अब इन तीन वैल्यू में देखो कि सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, सबसे हाईएस्ट वैल्यू हमारी 2 है, ठीक है, 200। और ये 200 क्यों आई है, क्योंकि ये इस वाली पोजीशन वैल्यू में बैठी थी, समझ रहे हो। तो इसी वजह से जो ये 2 है हमारी क्या है, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, ठीक है। मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट जो होता है उसके पास लार्जेस्ट वेट होता है, लार्जेस्ट वेट जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, इसकी वैल्यू 200 आ रही है, ओके। साथ में अगर हम LSD की बात करें तो हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, 6। अब ये लीस्ट क्यों है, क्योंकि इसके पास स्मॉलेस्ट वेट होता है, तो ये देखो 6 सबसे कम है। अब ये तो मैंने आपको समझाई बात पॉजिटिव के बारे में, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा बिगाड़ लेते हैं हम, और अब क्या करूंगा मैं, नेगेटिव कर देता हूं इसको। ये नंबर जो है हमारा 296 था, अब नंबर बदल देता हूं, देखो नंबर रख देता हूं 296.258। तो आप इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करें, ठीक है, अब इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करें, अब क्या रहेगा, देखो हमारे पास जब भी हम राइट में जाएंगे तो राइट में क्या जाएंगे, अब हमारे पास होगा 10^1 माइनस में चलेगी, ठीक है, 10 - 1 -2 - 3 डिपेंडिंग ऑन कि हमारे पास कितने डिजिट्स अवेलेबल हैं राइट साइड में, डेसिमल से राइट साइड में, ओके। सो यहां रहेगा हमारा डेसिमल, क्या रहेगा, डेसिमल, ओके। सो इस वाली लाइन को भी यहां पे बिगाड़ लेते हैं, यार आप लोग नोट्स बनाते रहना, काफी अच्छे से आपको यूनिट पढ़ाई जाएगी। अब देखो डेसिमल का लेफ्ट में पहली वैल्यू क्या है, 6, ठीक है, इसके बगल में क्या है, 9, फिर 2। इतनी बात समझ में आई, हाँ समझ में आ गया भैया। डेसिमल के बाद पहली डिजिट क्या है, 2, दूसरी डिजिट क्या है, 5, तीसरी डिजिट क्या है, 8, ठीक है, हाँ भैया ठीक है। अब समझो कि अगर हमको अब निकालना है क्या LSD और MSD, ये कॉन्सेप्ट समझ लो, MSD और LSD निकालना है, कैसे निकालेंगे, सबसे बेस्ट तरीका मैंने क्या बताया था कि MSD क्या होता है, हाईएस्ट पोजिशनल वैल्यू। सो अगर हम यहां से निकालें सबसे बड़ी पोजिशनल वैल्यू कौन सी है, तो अगर हम देखते हैं, देखो 10^-3 क्या होता है बेसिकली, अच्छा आपको मैथमेटिक्स समझा तो नहीं आती, कोई बात नहीं, 10^-1 का देखो, जिसकी पावर -1 हो उसका मतलब होता है कि वो नंबर, देखो अगर 10^-1 इसका मतलब 1/10, ठीक है, 1/10 को ले सकते हैं 0.1, 10^-2 का मतलब होता है हमारा
एक सेकेंड, 10^-2 जो हमारी -2 है, 10^-2 का मतलब होता है 1/100, इसका मतलब होता है 0.01, बात समझ में आई। अब अगर इस बात करें 10^-3 की, तो इसका मतलब होता है 1/1000, और इसका मतलब हुआ 0.001, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, अब तुम ये देख लो कि हमारे पास MSD निकालना है, बात क्लियर है? हाँ क्लियर है। अब हाईएस्ट पोजीशन वैल्यू कौन सी है, अगर हम इसको इधर सॉल्व कर लें तो मैंने आपको बता दिया, फिर से बता देता हूँ। 10^0, 10^0 होता है 1, 10^1 क्या होता है 10, 10^2 होता है 100। आप पोजिशन वैल्यू में देख लो, ये रही हमारी पोजिशन वैल्यूज, इधर से आप देखो ये सारी के सारी हमारी पोजिशनल वैल्यूज है। इसमें देखो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी उसके नीचे जो वैल्यू लिखी होगी वही हमारी क्या होगी, एमएसडी। और अगर हम बात करें एलएचडी की, एलएचडी का मतलब है लोएस्ट पोजिशनल वैल्यू, जहां होगी उसके नीचे जो वैल्यू होगी वो हमारी एलएचडी हो जाएगी। तो भैया इसके हिसाब से जैसा आपने बताया है 10^2 जो हमारे पास है क्या है, ये 100, भैया 100 सबसे बड़ा है इन सभी में से, तो हमारे पास जो इस बार का एमएसडी होगा, क्या होगा 2, बात समझ में आई। और हमारे पास जो ये एलएसडी होगा सबसे छोटा, हमारे पास क्या है 10^-3, फिर से बता दे रहा हूँ, इसका मतलब होता है 1/1000, और विच इज इक्वल टू 0.001, ये हुआ सबसे छोटा, तो इसके नीचे वैल्यू लिखी है 8, ये हो गई हमारी एलएसडी, ठीक है। सो हम पढ़ रहे हैं आज बाइनरी नंबर सिस्टम। अब देखो यार बात कहां तक थी, पिछली बार हमने पढ़ा था डिजिटल नंबर सिस्टम, तो उसमें यार एक दिक्कत आ रही थी। दिक्कत क्या हो गई कि हमारे पास उसमें 10 वैल्यूज थी 0 से लेकर 9 तक, तो यार हर एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को 0 से लेकर 10 वैल्यूज तक के लिए डिजाइन कर पाना काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, ठीक है। और वहीं पर क्या है कि अगर हमारे पास 2 वैल्यू होती, ठीक है, तो उस पे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को काफी आसानी से उनको डिजाइन कर पा रहे थे। सो उसके लिए हमारे पास निकल के आया एक सॉल्यूशन, वो क्या था, बाइनरी नंबर सिस्टम। अब देखो ये पहले बाइनरी क्यों है, बाइनरी का अगर मतलब देखो, पहले बाइनरी का मतलब समझेंगे, बाइनरी का मतलब होता है 2, ठीक है। अब इस बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर क्या है कि इसमें सिर्फ 2 ही डिजिट्स हैं, और 2 डिजिट कौन कौन सी हैं, एक है हमारी 0 और दूसरा है हमारा 1, ठीक है। एक क्या है 0 और दूसरी क्या है 1, क्यों, क्योंकि ये बाइनरी नंबर सिस्टम है। अब आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें और समझा देता हूँ, कुछ टर्म समझ लेते हैं इसमें, क्योंकि मैंने पिछली बार भी आपको समझाया, इस बार फिर समझाता हूँ कुछ टर्म है। सबसे पहली बात करेंगे हम पोजिशनल वैल्यूज की, पोजिशनल वैल्यूज, और दो और नेटर्म इस बार डिस्कस करे जाएंगे, एमएसबी और एलएसबी, ठीक है। पहले एमएसडी था और एलएसडी था, अब पोजिशनल वैल्यूज क्या है, जब हमने, अब चलो वापस चलते हैं हम अपने बचपन की यादों में, जब हम पहले पढ़ा करते थे तो हमने एक चीज नोटिस करी थी कि ये जो वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, कुछ इस तरीके से हम पढ़ाई करा करते थे, हमको कोई नंबर लिखना होता था। मान लो कि अगर हमारे पास यहाँ पर कोई भी नंबर है, अब यहाँ तो नंबर हम बाइनरी में लिख रहे होंगे, मान लेता हूँ कोई भी नंबर है बाइनरी में लिखना है ना, तो 0100, ठीक है, बात क्लियर, ओके। अब तो ये क्या है, पोजिशनल वैल्यू। अब हमें एक चीज समझ लो, जब भी हम किसी की पोजिशनल वैल्यू हमको निकालनी है, जैसे कि मैं आपको बताऊं, हमने क्या बताया था मैंने आपको कि जो भी इसका बेस, एक चीज तो बताना भूल गया, बेस, इसका जो बेस होगा क्या होगा 2, और बेस का मैंने आपको एक और दूसरा नाम बताया था, वो ये था कि हम इसको क्या बोलते हैं, रेडिक्स भी बोलते हैं। सो बाइनरी नंबर सिस्टम का रेडिक्स क्या होता है, इसका रेडिक्स होता है 2, बात समझ में आई, हाँ भैया। सो अब हम क्या करेंगे, हम इस पोजिशनल वैल्यू के ऊपर जो हमारा बेस है वो लिख लो पहले, बेस 2 2 2, बात क्लियर, क्लियर, जो क्या है ये वंस, ठीक है, वो लिखा है ना, यानी इसके ऊपर क्या आएगा 0, और साथ में एक और लॉजिक है इसके पीछे वंस, देखो 2 की पावर क्या होती है 1, तो 1 और वंस बराबर हो गया, ठीक है, ये क्या है 100। अब अगर हम बात करें 100 क्या होता है बेसिकली, सॉरी 10 सही है, तो 10 क्या होता है, 100 टेंस हो गया, ठीक है। सो यहाँ पे रही पावर 1, और ये क्या है, यहाँ पे पावर रही है हमारी 2 3। अब हमको एक चीज ये समझनी है, वो ये है कि अगर हमारा डेसिमल है, मान लो हमारा नंबर ये है कि 1001.001, सो यहाँ पर हमारा क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, ध्यान से समझो, ये हमारा डेसिमल पॉइंट है, ठीक है,
अब जैसे ही डेसिमल पॉइंट से हम लेफ्ट में जाएंगे, किधर जाएंगे, लेफ्ट में, और एक है राइट साइड है, दो जगह है। हाँ ठीक है भैया, अगर हम लेफ्ट में जाएंगे तो जो टू की पावर है, टू की पावर जो हमारी है, टू की पावर वो कैसी होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, इधर इंक्रीज होगी और इधर इंक्रीज हो रही है, और इधर टू की पावर डिक्रीज हो रही है, इधर क्या होगी, टू की पावर जो है वो डिक्रीज होगी। बात समझ में आई? देखो अगर हम इधर बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा, ऐसे ही टू की पावर जीरो है, टू की पावर जीरो, टू की पावर वन, टू की पावर टू, टू की पावर थ्री, टू की पावर फोर। तो इसकी अगर एक्चुअल वैल्यूज हम देखें, टू की पावर जीरो क्या होता है, वन, टू की पावर वन क्या होता है, टू, टू की पावर टू क्या होता है, फोर, टू की पावर थ्री क्या होता है, एट, और सिक्सटीन। अब अगर हम राइट साइड चलेंगे तो टू की पावर क्या हुआ, माइनस वन, टू की पावर माइनस टू, टू की पावर माइनस थ्री, टू की पावर माइनस फोर। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वन बाई टू, वन बाई फोर, वन बाई एट, वन बाई सिक्सटीन। ओके, अब आप देख लो कि ये छोटा कैसे हो रहा है, अगर हम इसकी एक्चुअल वैल्यू लिखें यहाँ पर, सो ये तो 0.5 हो गया। आप समझ रहे हो ना, देखो जब आपका न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है तो ऑब्वियस ही बात है इसका आंसर कम आएगा, है ना। ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब हम आपको एक, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, पोजिशन वैल्यूज आपको क्लियर है ना कि पोजिशन वैल्यू बेसिकली है क्या। हर एक पोजिशन की अपनी वैल्यू है और हर नंबर सिस्टम में अलग अलग वैल्यू होती है। इतनी सी बात क्लियर है? हाँ भैया क्लियर है। अगर हमको ये पता करना है कि इसकी वैल्यू क्या है, इसकी क्या है वैल्यू क्या है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली देखो बहुत सिंपल चीज करनी है, हम यहाँ से शुरू करते हैं या फिर हम आगे शुरू कर देते हैं। जो पोजिशनल वैल्यू है उसमें इसका मल्टीप्लाई कर दो, देखो टू रेस टू पावर थ्री इंटू वन प्लस टू रेस टू पावर टू इंटू जीरो प्लस ओके वन इंटू टू रेस टू पावर, सॉरी अपने फॉर्मेट में लिखता हूं मैं, आप लोग कन्फ्यूज मत होना, टू रेस टू वन इंटू वन प्लस टू रेस टू जीरो इंटू जीरो। ओके, अब इसका हम निकालेंगे आंसर। यहां से मैं आपको ये समझाऊंगा, एमएसबी और एलएसबी का कंसेप्ट भी हम समझ रहे होंगे। ओके, पहले इसका आंसर निकाल लिया जाए, टू रेस टू पावर थ्री क्या होता है, एट, सो एट इंटू वन प्लस टू रेस टू पावर टू होता है फोर इंटू जीरो प्लस टू रेस टू पावर वन क्या होता है टू इंटू वन प्लस टू रेस टू जीरो क्या होता है वन इंटू जीरो। बात समझ में आई? हाँ समझ में आ गई। अब इसका आंसर निकालो, ये कितना हो जाएगा, एट प्लस फोर इंटू जीरो जीरो प्लस टू इंटू वन टू प्लस जीरो, सही हो गया आंसर टेन। ठीक है, अब समझो ध्यान से, बेसिकली ये जो टेन है ये है क्या, बाइनरी में टेन को हम वन जीरो वन जीरो लिखते हैं। अब जो हमारा टेन है इसको, ये हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम में आ गया है। ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम में अभी ये नहीं आया है, नहीं डेसिमल सिस्टम में नहीं आया अभी ये। ओके हाँ, क्योंकि अभी तो डेसिमल नंबर सिस्टम हमारे कहाँ से, जीरो से वन तक जाता है। ठीक है, सो अभी वो तो नहीं है, चलो अगर रुको रुको वेट, अभी हम पहले समझते हैं एलएसबी और एमएसबी। समझो एमएसबी का मतलब क्या है, एमएसबी का मतलब है, वो कन्वर्जन आपको आगे बताऊंगा बहुत अच्छे से, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। क्योंकि हम यहां पर, हमारा जो नंबर सिस्टम वो बाइनरी का है तो यहां पर बिट आएगा। ओके, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इसका मतलब क्या है कि जिस जो पोजिशनल वैल्यू हाईएस्ट होगी, क्या होगी, हाईएस्ट पोजिशनल वैल्यू भी हम इसको बोल सकते हैं, हाईएस्ट पोजिशनल वैल्यू। अब ये हाईएस्ट पोजिशनल वैल्यू हाईएस्ट क्यों है, समझो, देखो जो ये वाली चीज थी इधर टू रेस टू पावर थ्री इंटू वन, इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है, आठ आया है। ठीक है, और पूरे इसमें कहीं आठ नहीं आया है। ठीक है, वहीं अगर हम इसकी बात कर लें एलएसबी की, सो एलएसबी क्या है हमारा, एलएसबी होता है लोएस्ट सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट बिट। अब इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम ये बोल सकते हैं कि ये हमारा क्या है, लोएस्ट लोएस्ट पोजिशनल वैल्यू, यानी कि जो सबसे कम पोजिशनल वैल्यू होगी वो हमारी क्या होगी, एलएसबी। यानी कि हमारी एलएसबी यहां पर क्या है, ये टू रेस्ट पावर जीरो। अगर आपके, अगर मेरा एग्जांपल ये होता कि 1010.01010, सो हमारी जो एलएसबी होती क्या होता, लोएस्ट पोजिशनल वैल्यू, या मैं बात करूं लोएस्ट सिग्निफिकेंट बिट की, तो वो यहां पर हमारा क्या होता, ये वन। बिकॉज अगर हम इसकी पोजिशनल वैल्यू देखें तो क्या होती,
माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फाइव, इसकी होती है टू रेज टू माइनस फाइव। ओके, और अगर हम ये देखें हमारे यहाँ पर ये क्या है, एमएसबी क्या होती है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, यानी कि हाईएस्ट पोजिशन वैल्यू, तो ये पोजिशन वैल्यू हमारी होल्ड कर रहा है टू रेज टू पावर फोर। ओके, ये बात समझनी बहुत ज्यादा ही जरूरी है। और इसके साथ में एक कंसेप्ट और जुड़ा हुआ है, वो ये है कि हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि जो हमारी एमएसबी होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, इसके पास लार्जेस्ट वेट होता है। ठीक है, तो मैंने आपको दो पॉइंट से समझा देता हूं कि एमएसबी के पास में लार्जेस्ट वेट। अब देखो, लार्जेस्ट वेट का मतलब मेरा वही था कि इसकी वैल्यू जो है सबसे हाईएस्ट होती है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। और एमएसबी का कंसेप्ट क्या है कि जो इसकी वैल्यू है, सॉरी एलएसबी का, इसका जो लोएस्ट वेट होता है इसका, ठीक है, आप इसको यहां देख सकते हो, टू की पावर जीरो, वन की पावर जीरो। ओके, अब लोएस्ट वेट किसके कंपैरिजन में माना जाता है, ये भी मैंने आपको बता दिया, इसीलिए लोएस्ट वेट पोजिशनल वैल्यू में। कि आप अगर कहोगे भैया ये तो फोर इंटू जीरो भी तो हो रहा है, बिकॉज एट लास्ट तो इसका आंसर जीरो ही जीरो है। नहीं, यहाँ पर आप पोजिशन वैल्यू भी देखो ना, टू रेज़ टू पावर टू, और यहाँ टू रेज़ टू पावर क्या है, जीरो। हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे ऑक्टल नंबर सिस्टम के बारे में। सो जितने भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर अभी नए आए हुए हैं, उन सभी को बता देता हूँ, मैं, मेरा नाम विशाल कुमार है और मैं साथ में इस चैनल पर कंप्यूटर साइंस पढ़ा रहा हूँ क्लास 11 के लिए। तो साथ में आप सभी को क्या करना है, इस चैनल को सपोर्ट करना है और लाइक बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब बटन को भी प्रेस करना है और शेयर करना है। चलो हम आते हैं वापस अपने टॉपिक पर, पढ़ते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम। अब देखते हैं यार कि ऑक्टल नंबर सिस्टम को ऑक्टल नंबर ही क्या कहा गया है। अब मेरा जो बेसिक सवाल तुमसे ये रहेगा कि ये बताओ, अच्छा आप यहाँ से समझते क्या हो जो ऑक्टल नंबर सिस्टम लिखा हुआ है। मैं ऐसे समझता हूँ भैया कि एक ऐसा नंबर सिस्टम है जिसमें कुछ आठ हैं। अच्छा, अगर तुम्हें ये बात समझ में आ गई तो पूरा कंसेप्ट समझ गए ऑक्टल नंबर सिस्टम का। ऑक्टल नंबर सिस्टम में क्या है कि बेसिकली जो सिंबल्स यूज होते हैं वो यहाँ पर आठ हैं। देखो दो चीज़ हैं, पहला तो इसका जो बेस होता है वो ही एट होता है, ठीक है। दूसरा, अब आप लोग ये बताओ कि ऑक्टल नंबर सिस्टम में रेडिक्स क्या होता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। ओके, अब पहली चीज क्या, इसका बेस भी आठ है और जो इसके अंदर सिंबल है, नंबर ऑफ सिंबल भी एट ही है। कितने हैं, एट हैं। अब हम ये देखते हैं कि नंबर ऑफ सिंबल कौन कौन से हैं। तो नंबर ऑफ सिंबल जो शुरू होते हैं हमारे, वो होते हैं जीरो से लेकर सेवन तक जाएंगे, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड देन सेवन। क्या इतनी सी बात क्लियर है, क्लियर है। अब क्या करते हैं हम यहाँ पे एक कंसेप्ट में आपको बता देता हूँ, जैसे हम बचपन में पढ़ा करते थे वंस टेंस थाउजेंड हंड्रेड वाला कंसेप्ट, वही सेम यहाँ पे अप्लाई हो गया। बट यहाँ पे क्या है, वो पोजिशनल वैल्यूज के फॉर्म में रहेगा। सो जो पोजिशन नंबर होल्ड करता है उसकी एक अपनी क्या होती है, पोजिशनल वैल्यू होती है, ठीक है। अब देखो क्या होती है वो। सो पोजिशनल वैल्यू हमारी शुरू होगी, जैसे कि हमारा ये वंस होता है, ठीक है, वंस टेंस हंड्रेड और थाउजेंड, ठीक है। अब जब वंस है तो इसके नीचे अभी हमारा बेस क्या है, बेस, पहले बेस लिख लो, एट एट एट, ठीक है। वंस है तो अब क्या लगा दो यहाँ पे, जीरो, यहाँ पे लिखेंगे वन टू थ्री फोर और फाइव, मतलब जितना ही बड़ा नंबर होगा उस तरीके से ये चलता चला जाएगा। अब ये तो एक ये जो पोजिशनल वैल्यूज है ये पॉजिटिव नंबर की हैं। अगर कोई भी नंबर डेसिमल के फॉर्म में आता है तो क्या होगा, तो सिंपली हम यहाँ पे उसको डेसिमल लगा देंगे और इसके बाद राइट साइड चलेंगे। अब राइट साइड चलने पे क्या हुआ, 8 की पावर माइनस वन, 8 की पावर माइनस टू, 8 की पावर माइनस थ्री, 8 की पावर माइनस फोर, जितना बड़ा वो नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं एक नंबर ले लेता हूँ यहाँ पर, सो एक हम बहुत छोटा सा नंबर पकड़ता हूँ, मैं कोई भी नंबर लेते हैं रैंडमली, 8 तो यहाँ पे आएगा ही नहीं, क्योंकि जो अलाउड डिजिट है वो 7 तक है। इस बात का भी हमको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, 6 तो 7 ले लेता हूँ और डेसिमल के बाद क्या ले लूँ बताओ, 0 1 2 2 3। अब जब हम इसका एक्चुअल कैलकुलेट करना चाहते हैं तो देखो वो कैसे आएगा,
यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें सिंपली करना क्या है, यहाँ से कैलकुलेट करना शुरू करना है कि 8 × 5 × 1 प्लस 8 × 4 × 0 प्लस 8 × 3 × 2 प्लस 8 × 2 × 4 प्लस, ठीक है, सेम करते रहेंगे हम 8 × 1 × 6 प्लस 8 × 0 × 7 डेसिमल, डेसिमल के बाद जो है उसको माइनस में देखो 0 × 8 की पावर -1 प्लस ये क्या होगा, और डेसिमल देखो अलग काउंट हो इधर ये अलग जुड़ेगा, ठीक है, 1 × 8 की पावर -2 प्लस 2 × 8 की पावर -3 प्लस 3 × 8 की पावर -4, ठीक है। सो जो भी यहां पर आंसर आएगा वो इसका हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो बस स्टूडेंट्स ये था ऑक्टल नंबर सिस्टम, अगली वीडियो में हम कवर कर लेंगे क्या, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, हो सकता है वो वीडियो भी आपको आज ही मिल जाए, ठीक है, फिर इसके बारे में हम बात करेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन हम सभी को आपस में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, फिर वो कैसे करते हैं ये भी आपको बताऊंगा, साथ में आगे हम कन्वर्जन भी देखेंगे। हेलो बच्चों, कैसे हो सारे सर, आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम और साथ में हम रिलेशनशिप देख रहे होंगे। अरे भाई नंबर सिस्टम के बीच में कहां क्या सोचने लगते हो। तो बस मेरा नाम है विशाल कुमार और आज की इस वीडियो में और साथ में ही इस चैनल पर मैं आप सभी को पढ़ाता हूं कंप्यूटर साइंस। तो आपको करना है क्या, आप सभी को पता है, चैनल को सपोर्ट करना और सब तक शेयर करेंगे। अब बात करते हैं, हम टॉपिक पर आते हैं, हमने सारे नंबर सिस्टम पढ़ लिए हैं और आज हम पढ़ेंगे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब पिछली बार जो मैंने आपको बताया था, आप लोग वीडियोस देखते लेकिन कमेंट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो मैं क्वेश्चंस देता हूं ना उसके आंसर मुझे मिल नहीं रहे कमेंट में, तो ऐसा मत करो यार, ठीक है, ज्यादा अच्छा रहेगा। सबसे पहली चीज जो मैंने आपको अभी तक बेसिक चीज सिखाई है कि हम पढ़ते कैसे हैं, हमारी अप्रोच आपको इसको देख के क्या समझ में आ रहा है ये बताओ सबसे पहले। तो ये हमको ये समझ में आ रहा है कि कुछ ऐसा क्या एक ऐसा नंबर सिस्टम है जिसमें कुछ हेक्साडेसिमल जैसा कुछ 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 है उसके अंदर, ये बात हमें क्लियर हो रही है, ओके। तो अब हमें क्या करना है, हम सबसे पहले चीज समझते हैं कि इस नंबर सिस्टम के अंदर 16 डिजिट्स होती हैं। कितनी डिजिट्स होती हैं, 16। सो हम इसको लिख लिया जाए नंबर ऑफ डिजिट्स 16, ठीक है, बिकॉज इसीलिए यहां पर 16 डिजिट है, इसी वजह से इसका जो नाम है वो रखा गया है क्या, हेक्साडेसिमल, ठीक है। हेक्सा का मतलब होता है, देखो पहले ये समझ लो, हेक्सा का मतलब होता है 6 और डेसिमल का मतलब होता है हमारा 10, ओके, हाँ भैया ठीक है। अब भैया इसका बेस बता दो हमें, ओके, देखो एक चीज मैं बताऊंगा एक चीज तुम बताओगे, सबसे पहले बात करता हूं बेस की। तो अब हेक्साडेसिमल है तो इसका बेस क्या होगा, इसका बेस है 16। अब आप लोग बताओ इसका रेडिक्स क्या होगा, बताओ भाई, हाँ भाई तुम बोलो इसका रेडिक्स क्या होगा, 16 होगा, ठीक है, बात क्लियर है भैया, क्लियर है। अब ये देखते हैं कि नंबर ऑफ डिजिट 16 तो है बट कौन कौन से हैं। भैया हमने तो अभी तक मैथ में सिर्फ मैक्स टू मैक्स अगर जीरो को इंक्लूड कर लूं मैं तो भैया 10 तो 10 डिजिट होते हैं सिर्फ, आप कह रहे हो 16 डिजिट हैं, कौन कौन से देखते हैं। देखो शुरू करता हूं जीरो से, अब तो मैं इसको मत काउंट कर लेना, ठीक है, ये मैंने मतलब बताया था हेक्साडेसिमल का, यहां से शुरू करता हूं मैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 9 के बाद देखो क्या होगा, 9 के बाद आता है 10, बट ये 10 नहीं आएगा, 9 के बाद शुरू होगी ए बी सी डी, देखो ए बी सी डी ई एफ, देखो अब तो ए बी सी डी बढ़ानी पड़ रही है मुझको। सो अब हम देखते हैं कि यहां से हम काउंट करेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स को काउंट करना शुरू करते हैं, ठीक है। सो यहां से होता है 1, ये पहला डिजिट, दूसरा डिजिट, तीसरा, चौथा, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। देखो जैसा कि मैंने तुम लोगों को ये बताया था कि हेक्साडेसिमल के अंदर 16 डिजिट्स होते हैं, तो रेड से मैंने देखो क्या लिखा हुआ है, रेड से मैंने यहां पे लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ डिजिट्स, ओके, नंबर ऑफ डिजिट्स को मैंने यहां शो करा हुआ है और कौन कौन सा डिजिट है वो मैंने आपको ऊपर शो करा हुआ है, ये ए बी सी डी ई। अब
जैसे कि हमने हर नंबर सिस्टम में एक चीज की बात करी है मैंने, वो है पोजिशनल वैल्यू। पोजिशनल वैल्यू हम यहाँ पे भी समझ लेते हैं। सो पोजिशनल वैल्यू, अब पोजिशनल वैल्यू आपको अभी तक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि हम शुरू करेंगे सबसे पहले जीरो से, यानी कि वन से। सो हम नंबर को लिखेंगे पहले वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड की फॉर्म में। इसके बाद जो हमारा बेस होगा, जैसे 16 यहाँ पे बेस है, तो क्या करेंगे 16 के ऊपर, अगर वंस है तो वंस के ऊपर पावर रहेगी क्या जीरो, ठीक है। और अगर हम अब देखो ये पावर जीरो है, अगर यहाँ से हम लेफ्ट में जाएंगे, किधर जाएंगे लेफ्ट में, तो पावर हमारी क्या होगी इंक्रीज होगी। और इंक्रीज कैसे होगी, पॉजिटिव पावर यहाँ बढ़ती जाएगी। जैसे यहाँ हो जाएगा 16 पावर 1, यहाँ होगा 16 की पावर 2, यहाँ होगा 16 की पावर 3, ओके। और जैसे ही हम यहाँ पर जाएंगे राइट साइड में, अगर हम यहाँ पे कोई भी नंबर लिख देता हूँ इस तरीके से, ठीक है, मैं यहाँ पे अगर लिख देता हूँ ए टू सी डी, बिकॉज ये हेक्साडेसिमल नंबर है, इसमें हेक्साडेसिमल डिजिट आ रही है। अगर जैसे पावर को देखो, पावर जब जीरो था 1 2 3 इधर गया। अब इसके बाद अगर मैं डेसिमल ले लूं यहां पर, एक डेसिमल और 08C, ठीक है 08C लिख दिया, तो इधर क्या होगा, अब जैसे ही बात डेसिमल से राइट साइड में पावर की बात आएगी, तो पावर जो हमारी है वो क्या होगी, इट विल डिक्रीज, ठीक है, डिक्रीज बाय -1 और नेगेटिव में देखो बढ़ेगी। अब या हम इसको यही बोल सकते हैं, एक तरह को दो तरीके होते हैं बोलने, एक होता है कि ये घटेगी, एक होता है कि -1 से बढ़ रही होगी पावर। तो यहाँ पर इसकी पावर होगी -16 पावर -1, 16 पावर -2, 16 पावर -3, ओके ठीक है। पोजिशनल वैल्यूज आप सभी को बता चुका हूँ मैंने, नंबर सिस्टम में बार बार समझाया, आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन, कौन कौन सा रिलेशनशिप भैया, रिलेशनशिप बहुत बहुत यार आप दो समझ रहे हो, अब ज्यादा बहुत ज्यादा रिलेशनशिप के नाम पे। चलो बेसिकली हम बात करेंगे हर नंबर सिस्टम में, जितने हमने नंबर सिस्टम पढ़े, मैंने आपको 4 नंबर सिस्टम पढ़ाए थे। सबसे पहला मेरा नंबर सिस्टम कौन सा मैंने आपको पढ़ाया था, वो था हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। सबका हम रिलेशनशिप देख लेंगे यहाँ पर, अब यहाँ से शुरू करते हैं। देखो सबसे पहला था हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम, इसके बाद हमारा क्या था, डेसिमल हमने बात करी थी बाइनरी नंबर सिस्टम की, ठीक है। बाइनरी के बाद हमने बात की थी किसकी, बाइनरी के बाद में क्या बात की थी बताओ, ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम के बाद में हमने पढ़ाई करी थी किसकी, अभी मैं आपको पढ़ाया है हेक्साडेसिमल। अब यहाँ पे हम आपस में कंपेयर कर लेंगे कि किसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट है, इस तरीके से हम यहाँ काम कर रहे होंगे, ठीक है। चलो अब करना क्या है, सबसे पहले हम हेक्साडेसिमल में लिखते हैं कि नंबर ऑफ डिजिट्स क्या क्या है, उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा। जीरो शुरू करो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सॉरी ये क्या होगा, 10 इन 10 नहीं है, क्या है यहाँ पर ए ए बी सी डी ई एंड एफ, ओके हाँ आपको यहां तक दिख रहा होगा, चलो लाइन खींच देता हूँ, ठीक है यहाँ तक आपको दिख रहा होगा। अब हमें क्या करना है, अब हम सबसे पहले आएंगे अपने ऑक्टल नंबर में। अब देखो ऑक्टल नंबर में क्या होता है, हमारे पास 8 डिजिट होते हैं, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 7 तक, बट हम क्या कर सकते हैं, हम इसके कॉमन, हम इसको कंबाइन कर सकते हैं, ओके। सो हम क्या करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7, तो हम ये देखेंगे यहाँ पर 7 के बाद में क्या आएगा। देखो 7 के बाद हम 8 तो नहीं आ सकता, क्योंकि हमारे पास यही वैलिड डिजिट्स हैं, और ना ही यहाँ पर 9 आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, अब इनका कॉम्बिनेशन शुरू करेंगे सीरीज में। तो 7 के बाद यहाँ पे आएगा 10 11 12 13 14, और ये होगा हमारा 15 16 और 17, ओके। तो ये यहाँ पे तो आएगा 17 तक, बात क्लियर है, क्लियर है। अब बात करी जाएगी पहले डेसिमल नंबर सिस्टम की। डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या था, हमारे पास 0 से 9 तक के डिजिट्स होते हैं। सो यहाँ पर रहेगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके बाद आपका सिंपली 10 11 12 13 14 15 एंड 16। भैया आपने बाइनरी क्यों छोड़ दिया,
अब बाइनरी में आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जब बाइनरी एडिशन होता है थोड़ा डिफरेंट टाइप का होता है। सिंपली क्या होता है, अगर हम 01 और 01 को ऐड करेंगे अपनी मैथमेटिक्स में तो क्या हो जाएगा, वो हमारा 02 हो जाएगा। बट ऐसा बाइनरी एडिशन नहीं होता है। बाइनरी एडिशन देखो कैसा होता है कि आप ये चीज मान लो, अगर आपको जब 0101 मिले बाइनरी में तो इसका मतलब देखो 1+1 बाइनरी में 10 मान लो आप, तो आप बहुत आराम से सॉल्व कर पाओगे। तो 1+1 क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 हो गया, सो ये आएगा 010, यानी कि 0101 क्या होता है 10 होता है बाइनरी। और बाइनरी में आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे करोगे तो कंफ्यूज नहीं होगा, ठीक है। सबसे पहले हमको क्या करना है, बिकॉज मेरे पास कॉपी नहीं है तो मिसमैच हो सकता है, तो हम पहले 0 से लिखना शुरू करते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15, 16 डेट हो गए हमारे पास। अब हम आराम से चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, बिल्कुल आराम आराम से करेंगे, कन्फ्यूजन होगी तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। 0 को क्या होगा देखो, 1, 2, 3, 4, ठीक है, बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर। अब आप अगर इसमें ऐड करोगे, यहाँ पे मैं ऐड करते हुए चलते हैं, आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। देखो ये 0000 प्लस 1 करोगे तो क्या हुआ, 0001, तो ये हो गया 1 का, ठीक है 1। अब 2 में क्या होगा, प्लस 1, तो 1 और 1 आपको 10 बताया था, तो इसका ये आ गया, इधर कैरी आ गई, तो ये क्या हो गया 0010, ओके 0010, ठीक है ओके। अगर इसमें एक बार हम ऐड कर देंगे तो ये 0011 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 3 का 0011। हम इसमें एक और ऐड करेंगे तो क्या होगा, चलो ऐड कर लेते हैं। देखो 1 और 1, 10, 0, यानी ये कैरी इधर। अब ये जब 11 जुड़ेगा तो फिर से 0 और ये आगे आ जाएगा, सो ये 0100, ठीक है। अब जब इसमें एक और ऐड करेंगे, चलो इसमें एक और ऐड करते हैं प्लस 1, तो ये 0101, ये होगा 5 का, ठीक है। अब क्या काम करें, चलो 5 तक तो हमने निकाल लिए, इसके आगे कैलकुलेशन शुरू करते हैं फिर से। 0101 हमारा 5 का था, प्लस 1 किया तो 01, और ये क्या होगा 11 का क्या 0, तो 0 और 1 क्या हो जाएगा 1, तो 0110, ठीक है। प्लस 1 किया, 01 क्या होगा 1 होगा, 011 सॉरी यहाँ 1 होगा, ठीक है, ये हो गया 7 का, समझ रहे हो। यहाँ से एक डिटेल में गलत किया, पूरा सीरीज गलत कर दोगे आप, और प्लस 1 करोगे तो क्या होगा, मैं आपको, आप यहाँ से ध्यान से समझो, अगर तुम अभी तक समझ में नहीं आया तो आप समझ लो, यहाँ बहुत अच्छा एग्जांपल समझने का ही, थोड़ा आपको जूम कर लिया जाए, जूम करके समझा देंगे। देखो 101 मैंने क्या बताया था, 10 होता है, ठीक है, 101 हमको 10 मानना है, तो ये 0 और यहाँ 1 आ गया, ठीक है। अब ये सोचो 1 और 1 यहाँ जब ऐड होंगे तो क्या होगा, 0, इसी कैरी यहाँ आ गई, जब यहाँ 1 और 1 ऐड होंगे तो क्या होगा 0, यहाँ 1, तो ये 1100 आएगा, क्या आएगा 1000 8 का, ओके। अब जब हम इसमें एक और ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये क्या होगा 1001, ये किसका होगा 9 का। हम इसमें अगर एक और ऐड करेंगे तो क्या होगा 1010, ये किसका होगा 10 का। बात समझ में आ रही है, ठीक है भाई, तो बात समझ में आ गई। चलो अब इसकी कुछ ट्रिक्स हैं जो आपको मैं अगली वीडियो में आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा, तो हम कन्वर्जन करेंगे तब। सो 1010 किसका था, 10 का, प्लस 1 किया तो क्या हुआ 1011, ठीक है 10, ये क्या हुआ 11। अब जब हम 12 का निकालेंगे तो क्या करेंगे, वही सेम प्रोसीजर, प्लस 1 किया 110, अब इसकी कैरी 1110 और 0 और 1 1, सो इट इज 1100। एक और ऐड करेंगे तो क्या होगा 1101, एक और ऐड करोगे तो क्या होगा बताओ 1110, 15 का 1111। अब यहाँ से आपको कुछ चीजें आप बाइनरी में जो आपको याद कर लेनी है, इसकी ट्रिक अगले वीडियो में बताऊंगा जरूर, ठीक है, मैं बताऊंगा आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। वो देखो आपको सिंपली याद क्या करना है, आप 10 का याद कर लो, 10 का क्या है 1010, मतलब 2 बार 10 लिख देना, ठीक है। अगर आपको 5 का निकालना है तो इसका रिवर्स कर लो, 5 का होता है देखो 0101, मैच कर लो, ये लिखा 0101 5 का, ठीक है। 7 में आप याद कर लो किसका, और आप 15 का याद कर लो, 15 का 1111। इनको यूज करके हम आगे बहुत अच्छे से इनको यूज करेंगे, और
आगे आने वाली वीडियो में जब नंबर कन्वर्जन करेंगे ना यार, ऐसा नंबर कन्वर्जन पढ़ाऊंगा कि आप कभी भूल नहीं पाओगे। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे के सारे। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं नंबर कन्वर्जन्स के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अब तुमको कन्वर्जन्स ऐसे पढ़ाऊंगा कि तुम यार कभी भूलोगे नहीं। साथ में एक और चीज बता देता हूँ कि अगर आप लोग आगे जाके इंजीनियरिंग करोगे तो ये नंबर कन्वर्जन्स जो आप पढ़ रहे हो ना, ये सारे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का एक पूरा ही पार्ट है। वहाँ पर आपको सब्जेक्ट होता है प्रॉपरली। आज मैं करने वाले हैं, आज हम क्या करेंगे, हम ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। कैसे? ऑक्टल से ऑक्टल टू बाइनरी, ठीक है। अब देखो, सॉरी आपके में भी ऑक्टल टू बाइनरी नहीं होगा, हाँ सॉरी सॉरी फॉर दैट। आज हम करेंगे डेसिमल टू बाइनरी, ठीक है। बाकी सारी चीजें बहुत आसान है। अब मैं कैसे बताऊंगा, देखो कैसे आसान है। देखो, जब भी आपको किसी को भी बाइनरी में कन्वर्ट कर किसी को भी बाइनरी में करना हो, किस में करना हो, बाइनरी में, है ना, ये बात ध्यान रख लेना, तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको डिवाइड करना होगा, ठीक है, डिवाइड करना होगा। देखो अब वो कैसे करेंगे, पहले दो चीज और बता देता हूँ कि डेसिमल नंबर जो होते हैं वो हमारे दो टाइप के होते हैं। कैसे कैसे होते हैं? एक होता है हमारा डिजिट, ठीक है। एक तो मैं उसको बोल सकता हूँ कि इंटीजर पार्ट, है ना, और दूसरा होता है हमारा क्या, फ्रैक्शनल पार्ट। अब इस फ्रैक्शनल पार्ट की हम जो बात है वो हम करेंगे आगे चल के। पहले हम इंटीजर पार्ट को कन्वर्ट करेंगे। अब देखो कैसे कन्वर्ट करना, ये बहुत ही ध्यान से समझना है। यहाँ से सबसे पहला जो एग्जांपल है वो हम उठाते हैं, और सारे एग्जांपल मैं आपको अपनी किताब से ही करवाऊंगा, बाद में कुछ क्वेश्चन आपको करा दूंगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को अच्छे समझ में आए। आपके सामने बुक भी रहेगी तो आप अच्छे समझ पाओगे। सबसे पहला सवाल है हमारे पास कि 43 को हमें कन्वर्ट करना है, 43 और 10 को कन्वर्ट करना है बाइनरी में, ठीक है, बाइनरी में। अब देखो, अगर मुझे इतना ही पता चल जाए तब भी मैं कह सकता हूँ कि ये डेसिमल है और ये बाइनरी है। भैया आपने कैसे बताया? बिकॉज डेसिमल का मैंने पढ़ाया था बेस 10 होता है, बाइनरी का बेस 2 होता है। बात क्लियर? क्लियर है। अब जो भी इसका बेस होगा, ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें उससे डिवाइड करेंगे हम, ठीक है। और देखो कैसे करना है, 43 को पहले आप यहाँ लिखो 43, ठीक है, और हम 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। साथ में हमारा जो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, रिमाइंडर, जो हमारा रिमाइंडर बचता जाएगा, जैसे बोल रहा हूँ वैसे समझते जाना, बहुत अच्छे समझ में आएगा। 43 को 2 से डिवाइड करो, कितने बार जाएगा, ये जाएगा आपका 21 टाइम्स, ठीक है, बात समझ में आई। हाँ, रिमाइंडर क्या बचेगा, 1। बात क्लियर है भैया? क्लियर है। 21 को 2 से डिवाइड करोगे फिर से, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या है, यहाँ पे क्या कितना बचेगा, क्वेश्चन कितना आएगा, देखो आपको ध्यान समझाता हूँ, ऐसे समझो 21 को 2 से डिवाइड करो तो क्या जाएगा, ये 1 और 0, 10 इंटू 20 होता है 20, और ये बचा आंसर 1। तो ये तो हमारा क्वेश्चन हमको यहाँ लिखना है, ठीक है। अब बचा हमारा 10, ठीक है, 10 बचा, हाँ, रिमाइंडर कितना बचा, 1। बात क्लियर है? क्लियर है। अब आप इसको 2 से फिर से करो, हमारा 2 से कितना आएगा, 5 बार जाएगा, ठीक है, रिमाइंडर कितना बचेगा, 0, बिकॉज कम्प्लीटली डिविजिबल है। अब फिर 2 से करो तो 2 इंटू 2 कितना होगा, 4, और रिमाइंडर क्या बचेगा, 1, ठीक है, हाँ भैया। अब 2 और 2 बन जा, 2 बन जा, 2 आ रहा है, रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। यहाँ पर आपको देखो 1 भी नहीं छोड़ना है, ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली 1 भी नहीं छोड़ना, और 2 मल्टीप्लाई बाय जब 0 करोगे तो आपका जो रिमाइंडर है, आपका जो रिमाइंडर वो क्या आएगा, ये जो 1 है ये आपका यहाँ आ जाएगा सिंपली, ठीक है। अगर तुमको ये चीज अब समझ में आ गई, देखो आपको तब तक डिवाइड करना जब तक आपका यहाँ पर 0 ना आ जाए, क्या ना आ जाए, 0 ना आ जाए, इस बात का ध्यान रखना है। अब मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था MSB और LSB। MSB यहाँ पे ध्यान से देखो, अब MSB क्या था, मोस्ट सिग्निफिकेंट, क्या हुआ यहाँ पे, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगा, ठीक है, और LSB क्या था, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अब देखो हमारा जो आंसर है हमको यही आ गया है, हमको किस ऑर्डर में देखना है, हमको नीचे से राइट के ऑर्डर में इसका आंसर लिखना है। सिंपली जो हमारा लास्ट है ये क्या है, 1, इसके ऊपर है 0, इसके ऊपर है 1, 0, 1, 1,
तो ये हमारा क्या है आंसर। हम अगर 43 को कन्वर्ट करेंगे 2 में, यानी सॉरी बाइनरी में, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, हमारा आंसर आया है, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, हमारा आंसर आया है 101011 base 2। क्या आपको इतनी सी बात समझ में आई? देखो आपको LSB MSB बता देता हूँ। MSB हमारा ये है मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, और LSB हमारा ये है, इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट हमेशा इधर होता है हमारा, और LSB हमारा इधर होता है। ओके सो आप लोग मैच कर सकते हो कि हमारा आंसर बिल्कुल सही आया है। ठीक है, आप कहोगे भैया ये तो हमारी किताब में भी दिया गया है, एक सवाल आप अपनी तरफ से बताओ। बिल्कुल सही बात है ना। पहली चीज क्या है कि तुमको मैं ये कंफर्म कर दूं, मेथड आपको समझा देता हूं, इसके बाद अब एक सवाल हम खुद से करा जाए। ठीक है, देखो एक एक सवाल करवाऊंगा, बिकॉज अभी थोड़ा सा मेरा सिलेबस पीछे चल रहा है आप लोगों से, मुझे पता है ये बात, बिकॉज थोड़ा सा बिजी हो गया था काउंसलिंग वगैरह प्रोसेस में, बट अब रफ्तार पकड़ ली हमने, और गारंटी हमारी है कि आपके स्कूल से पीछे हम भी नहीं रहेंगे। ठीक है, सो एक सेकंड के लिए रुकना बस, और ये करिए हमने अपनी लाइट एडजस्ट। चल बताओ क्या नंबर ले लेते हैं। एक भैया मैं ले लेता हूँ 73 ले लो आप। चलो भाई 73 ले लें, ये हमारा बी एग्जाम्पल है। एक बच्चे ने कमेंट किया था भैया राइटिंग कैसे अच्छी लिखा करो, यार फास्ट लिखता हूँ तो राइटिंग अच्छी नहीं आ पाती है। सो हमें क्या करना है, 73 है हमारे पास, डेसिमल है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में। ओके आप जैसे मैंने बताया मैं वैसे ही चलूंगा आपके थ्रू। ये हमने लिखा 73, ऐसे हमने बना लिया, और हमने इधर बना लिया एक। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 2 से हम क्या करेंगे इसको डिवाइड, तो 2 3 6। ओके और कितना बचेगा यहाँ पे, 13 बच रहा है, और 6 6 2 12, तो इसका क्या बचेगा रिमाइंडर 1। बात समझ में आई? हाँ भैया। और फिर 2 से 36 कर दो तो 18, रिमाइंडर क्या बचेगा 0। 2 से इसको कर दो कितने बार जाएगा, 9 बार, 2 से 18 9 बार जाएगा। सो आप रिमाइंडर क्या बचेगा हमारा 0। अब 2 से करो इसको, 2 से 9 को डिवाइड करो आप, कितने बार जाएगा ये, अब भैया ये जाएगा हमारा 4 बार, 4 2 8 होता है। ठीक है, तो हमारा रिमाइंडर 1। अब 2 into 2 कितने बार जाएगा ये, 2 to 4 होगा 0। अब 2 1 2, ठीक है, तो रिमाइंडर 0, और 2 0 बार, तो ये बचा हमारा रिमाइंडर 1 इधर आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सिंपली जो हमको नीचे से लेके ऊपर के ऑर्डर में ये डिजिट्स नोट करने हैं, याद रखना कि जो हमारा लास्ट डिजिट है वो हमारा क्या था MSB, और जो ऊपर का डिजिट है वो हमारा क्या था LSB। ठीक है, बात क्लियर है? हाँ भैया क्लियर है। इसको लिखो आप, तो क्या होगा 100001 और base 2। बात समझे? हाँ भैया बात समझ गए हम। सो चलो आपको यहाँ इसको लिख देता हूँ 100001002। उम्मीद है आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं फ्रैक्शनल नंबर को लेकर के, जब फ्रैक्शनल नंबर आएगा तो हमको सिंपली क्या करना है, जब फ्रैक्शनल नंबर आएगा तो उसका आपको एक एग्जांपल आपकी किताब में दिया हुआ है, और उसको ही मैं यहाँ पे उठाना चाहूँगा। आपकी किताब में जो एग्जांपल दिया है वो है, ये आपका नंबर दिया हुआ है 4.8125। अब देखो प्रोसेस क्या है यार, कि सिंपली अभी तक तो हमने क्या किया है कि हमारा जो इंटीजर पार्ट था उसको देखो हम सेम ट्रीट करेंगे। अब यहाँ समझ लो, ये हमारा क्या है फ्रैक्शनल पार्ट, ये हमारा क्या है फ्रैक्शनल पार्ट, और इसमें ये क्या, ये हमारा इंटीजर पार्ट। क्या आपको इतनी सी बात समझ में आई? हाँ भैया इतनी सी बात हमको समझ में आ गई है। ठीक है, हम इंटीजर पार्ट को अलग सॉल्व करेंगे और फ्रैक्शनल पार्ट को हम अलग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले इंटीजर पार्ट को सॉल्व करते हैं जैसे हम मैंने आपको सिखाया था। सो हम 4 को करेंगे कि 2, और ये इधर लिखेंगे रिमाइंडर। ठीक है, सो 2 2 4 रिमाइंडर 0, 2 1 2 रिमाइंडर क्या 0, और 2 0 0 रिमाइंडर हमारा बच जाएगा 1। ठीक है,
तो हमने एक तरफ से तो हमने इसको निकाल लिया, ये हमारा आएगा क्या, अगर हम इसको नीचे से ऊपर जाएंगे, ये हमारा क्या है एमएसबी और ये हमारा हुआ एलएसबी, तो ये हमारा 100 तो आ गया, ठीक है। 4 को हमने कन्वर्ट कर लिया, तो 4 जो है 4 से हमारा क्या आ गया है 100 तो आ गया और डेसिमल। अब बच रहा है हमारा क्या, इसको मैं कन्वर्ट करना है, तो बहुत ध्यान से समझे हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये क्या है 0.8125, हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा जो आंसर आएगा क्या आएगा, हमारा यहाँ पर जो भी आंसर रहने वाला है उसकी फर्स्ट डिजिट, उसकी डेसिमल से पहले डिजिट को हम निकालेंगे। देखो करना क्या है, इसको मल्टीप्लाई करो, अच्छा ये 50 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 50 और 216, सो 1.6250 हुआ। हम यहाँ से क्या करेंगे कि देखो बहुत ध्यान समझो, जो ये 1 है इसको हम यहाँ लिख लेंगे, ठीक है, और ये कितना बचा 0.6250, इसमें हम फिर से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा देखो, ये हमारा हो जाएगा 500, 250 का हो जाएगा हमारा 500 और ये हो जाएगा 1.2500, ठीक है, बात क्लियर है आपकी, हाँ क्लियर है हमारी, सो आई थॉट सो, मैंने कुछ गलत किया क्या, नहीं किया, 1.5200 हो गया। अब डिवाइड डिजिट को हमने यहाँ निकाल लिया, ठीक है, बात आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, मैं गलत कर रहा हूँ, एक मिनट रुको, 1 हमारा ये, ठीक है, अभी कितना बचा 0.250 × 2 फिर से करो, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा ये हो जाएगा 0.0500, ओके, ये हमारी डिजिट क्या है यहाँ पे 0, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि अब ये जो 500 है इसको हम फिर वापस से निकाल लो, इसको 50 हम कर सकते हैं 0.50, ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा ये बताओ 1.00, ठीक है, इसकी जो डिजिट है इसको आप यहाँ निकाल लो, अब क्या बचा ये 0.00 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 0 ही आएगा ना, क्या आपको ये बात क्लियर है, 0 आएगा, तो इसलिए हम इस स्टेप पे नहीं जाएंगे अब, ठीक है, ओके, हम इतने ही 4 स्टेप करेंगे, जैसे ही हमारा डेसिमल के बाद 0.00 आ जाएगा हम इसको वहीं पर रोक देंगे, क्या करेंगे वहीं पर रोक देंगे, और यहाँ ध्यान से समझो हम इसको टॉप टू बॉटम इवेल्यूएट करेंगे, कैसे टॉप टू बॉटम, अब यहाँ क्या करना है हमको डेसिमल के बाद सबसे पहला हम डिजिट निकालो हम यहाँ लिखेंगे 1101, तो ये हो गया हमारा कन्वर्जन, ठीक है, सिंपली हमने किसको कन्वर्ट किया 4.8125 को कन्वर्ट किया था हमने किस में 1.00.1101 और 2, क्या इतनी सी बात आपको समझ में आई, अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करना, साथ में शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हम और भी ऐसे स्टूडेंट्स तक पहुंच सके। आज की इस वीडियो में हम कन्वर्ट करने वाले हैं बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, क्या पढ़ेंगे हम बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, हमने पहले पढ़ा था डेसिमल से बाइनरी, हम उसका उल्टा करेंगे, ठीक है, बहुत आसान है, ध्यान से वो समझना है आपको, क्या कर रहे हैं हम बाइनरी टू डेसिमल यानी कि उसका हम उल्टा करेंगे, और देखो इसमें भी सेम 2 पार्ट हमारे रहने वाले हैं, हमारा इसमें रहेगा एक तो इंटीजर पार्ट को हम कन्वर्ट करेंगे, साथ में हमारे पास पहला क्या है हमारे पास इंटीजर पार्ट, ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या रहेगा भैया फ्रैक्शनल पार्ट रहेगा, कौन सा पार्ट फ्रैक्शनल पार्ट, ओके, बहुत आसान है, सबसे सिंपलेस्ट चीज ये है, ठीक है, देखो करना कैसे हमको, हमको जब भी बाइनरी से किसी में कन्वर्ट करना होगा तो हमको उसकी पोजिशनल वैल्यूज वाला कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, पहले ये जान लो कि बाइनरी का जो बेस है वो होता है 2, डेसिमल का बेस होता है 10, ये मैंने आपको बता रखा है, उम्मीद करता हूँ कि आपको पता भी होगा। अभी हम इंटीजर वाले को सॉल्व करेंगे और एक एग्जाम्पल उठा लेता हूँ, मान लो मेरा एग्जाम्पल है कि 1001, ठीक है, ये हमारा बाइनरी में है, इसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं डेसिमल में, ठीक है, हमें क्या करना है, हमें दिख रहा है कि इंटीजर है,
सिंपली हमें इसको इसकी पोजिशनल वैल्यू में तोड़ना है। देखो 1 1 0 0 1, सो इसको हम लोग क्या लिखेंगे यहां पर 2 की पावर 0, ठीक है, प्लस 2 की पावर 1, प्लस 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4। अब इसको एवेल्युएट कैसे करेंगे, देखो इसको एवेल्युएट करेंगे हम कुछ इस तरीके से, 2 की पावर 4 × 1 प्लस 2 की पावर 3 × 1, सॉरी इंटू होगा यहाँ पे, × 1 प्लस 2 की पावर 2 × 0 प्लस 2 की पावर 1 × 0 प्लस 2 की पावर 0 × 1। बात समझ में आई? हाँ भैया बात समझ में आ गई। हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे आप मैथ्स अच्छे से आनी चाहिए, मैथमेटिक्स लगेगी यहाँ पे। 2 की पावर 4 बताओ क्या होता है, 2 की पावर 4 होता है हमारे क्या 16, कितना होता है 16 प्लस 2 की पावर 3 होता है हमारा 8 प्लस 2 की पावर 2 होता है हमारा 4, लेकिन 4 × 0 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ठीक है। 2 की पावर 1 होता है हमारा कितना 2, और 2 × 0 क्या हो जाएगा हमारे, देखो 2 × 0 भी 0। अब 2 की पावर 0 × 1, 2 की पावर 0 क्या होती, किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होती है 1, ठीक है, और 1 × 1 क्या होगा, 1 × 1 होगा 1। अब इसको आप ऐड कर दो, क्या करोगे ऐड 16 + 8 + 1, तो 16 + 8 आपका हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 24, ये 25, तो ये जो हमारा नंबर है ये 25 का है, ठीक है। अब इसको हम देखो क्रॉस चेक भी बड़े आसानी से कर सकते हैं, बहुत फास्ट, वैसे मैं करके बता देता हूँ कि ये सही है या गलत है, हम देख लेते हैं यहीं पर। 25 को करो आप 2 से, तो ये जाएगा, मैं फास्ट फास्ट करता हूँ, 12 1 2 6 0 2 3 0 2 2 1 बचेगा 2 0 1 बचेगा। तो अब इसको अगर लिखेंगे तो ये कितना होगा, ठीक है, इसको नीचे से ऊपर लिखना होता है 1 1 0 0 1। तो आप देख लो, मैंने आपके सामने कन्वर्ट करके भी दिखा दिया है कि 25 को अगर हम कन्वर्ट करें तो हमारा क्या आ रहा है 1 1 0 1, ठीक है, कंसेप्ट इतना क्लियर, क्लियर है भैया। अब भैया अगर इसी चीज में हमारा डेसिमल आ जाए तो हम क्या करेंगे, बहुत आसान सी चीज है कि डेसिमल अगर हमारा आ जाए तो हमें बहुत आसान, कुछ नहीं करना है, देखो बस पोजीशन वैल्यूज आपको थोड़ी सी और ऐड करनी है बस। इसी में अगर हमारे पास मान लो कि अगर इस नंबर को थोड़ा एक्सटेंड कर दूं मैं यहां कर लेता हूं कि हमारे पास ये 1 और इसके साथ में ये पॉइंट लगा दिया और हमारे पास वैल्यू है मान लो 0 1 की पावर 2, तो हम क्या करेंगे यहां पर हमारी ये पावर जो है वो नेगेटिव में हो जाएंगी। देखो 2 की पावर -1 बिकॉज ये 0 और ये 1, प्लस 2 की पावर -2, तो हम क्या करेंगे यहां से प्लस करेंगे कि 2 की पावर -1 × ये क्या है 0 प्लस 2 की पावर -2 × क्या है 1, ठीक है। अब किसी पे नेगेटिव पावर का देखो मतलब क्या होता है, यानी कि 1/1 में उस पर पावर लग जाती है वो, ओके, यानी अगर हम सॉल्व करें इसको यहाँ पर तो ये क्या होगा 2 की पावर -1 × 0, पहली बात तो ये 0 हो जाएगा, तो ये तो हमारा सिंपली 0 हो गया, ठीक है। और अगर हम इसकी यहाँ पे बात करें तो ये होगा हमारा 1/2 की पावर 2, यानी कि 1/4 × 1, यानी कि 0.05, ठीक है। तो अब ये हो गया 25.25 का क्या, ये हमारा बाइनरी 22.25, सॉरी इस नंबर का ये हमारा आ गया है डेसिमल में कन्वर्जन, ओके। तो बस स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सभी को ये कंसेप्ट समझ में आया हो, काफी इजी कंसेप्ट था। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सर, आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मैं आपको बता देता हूँ, ऑक्टल का बेस होता है हमारा 8, डेसिमल का बेस होता है हमारा 10, हम कन्वर्ट करने वाले, तो हम क्या करेंगे, हम एक नंबर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल नंबर लिया मैंने आपका 266, ठीक है। अब 266 से देखो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले इसको 8 से करना है डिवाइड, और जो रिमाइंडर वो हम इधर लिखेंगे, तो हम करते हैं 266 को 8 से डिवाइड, सो हमारा 8 3 8 3 24 होता है, यहाँ बचेगा 26, फिर से ले लेते हैं 324, हमारा रिमाइंडर बचा है 2, यानी कि हमारा 33 बार जाएगा और रिमाइंडर हमारा बचा है 2,
बात समझ में आई? ठीक है, अब आठ से इसको वापस डिवाइड करते हैं, एट फोर सा होता है हमारा 32, कितना होता है 32, रिमाइंडर बचता है हमारा 1, 8 से अगर हम इसको वापस से डिवाइड करेंगे तो अभी 4 छोटा जाएगा नहीं, तो हम कहें 0 और रिमाइंडर आ जाएगा इसका 4। और हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको वापस से वही अपना MSB हमारा होता है नीचे और LSB वो हमारा होगा ऊपर, तो इसका क्या होगा, अगर हम इसको लिखें 266 और 10, इसको हमने कन्वर्ट किया ऑक्टल में तो हमारा आंसर आया है 412, और वो भी इसकी जो बेस रहेगा वो क्या है 8। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सारे एग्जांपल्स समझ में आ रहे होंगे, और अगर तुमको ये समझ में नहीं आया तो हम एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, बट उसमें क्या है कि देखो मैं कोई भी वैल्यू अगर अपने मन से लेता हूँ और साथ में अगर आपकी बुक से लेता हूँ, उसमें फ़र्क ही हो जाता है कि आपको सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, वरना बेवजह वीडियो को टाइम बढ़ाने से कुछ मिलना नहीं है। आप क्या करते हैं, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ अपने हिसाब से ही, कि मान लो 888 ले लेता हूँ। ठीक है, 888 हम क्या करेंगे, इसको 8 से करेंगे डिवाइड, तो क्या कितना होगा ये 1110, फिर 8 से करो, भैया आसान लग रहा था इसलिए आपने 88 ले लिया, मुश्किल में पड़ गए। हाँ यार पढ़ तो गए हैं भाई, क्या करें, चलो कोई नहीं, हम करेंगे सिंपल डिवाइड, 8 बन जाओ होता है हमारा 831, तो हम क्या करें फिर बताओ, तो भैया 83 से कर लो आप, 24 बचा है आपका 7, ओके तो ये हो गया 13, यहाँ बचा हमारा 7। ठीक है, अब ये 8, सो 8 बन जा कितना जाएगा, 8 बन जा सर ये हमारा जाएगा 8 बन जा 8, और रिमाइंडर कितना बचेगा बताओ, 8 5 होता है 13, हमारा बचा 5 और ये जाएगा 0 और ये जाएगा हमारा कितना 1, ओके वापस से कंसेप्ट लगा लो, ये 888 का जो कन्वर्ट करेंगे अगर हम ऑक्टल में तो आएगा हमारा 1570 की पावर बेस 8, ओके। सो उम्मीद करता हूँ कि यार आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, अगर आज की इस वीडियो में कन्वर्ट करेंगे ऑक्टल टू डेसिमल। अब देखो सबसे पहले बता देता हूँ आपको उनके बेस के बारे में, ऑक्टल का जो बेस होता है वो होता है हमारा बेस 8, डेसिमल का होता है 10। भैया कन्वर्जन सीरीज में एक बच्चे ने मैसेज किया, भैया मजा आ गया आपसे कन्वर्जन सीरीज देख के, तो बस बने रहो चैनल पर, सब्सक्राइब कर लेना यार नहीं किए हो तो, साथ में दोस्तों तक शेयर करो, अब सबको कंप्यूटर साइंस समझ में आने वाली है, बिकॉज विशाल भैया पढ़ा रहे हैं यहाँ पे। देखो पिछली वीडियो मैंने आपको इसका 888 को कन्वर्ट किया था, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम अपने आंसर को भी वापस से कन्वर्ट करेंगे डेसिमल के अंदर। ठीक है, सो 1570, देखो यार दो टाइप के डिजिट्स होते हैं आपको फिर बता देता हूँ, पहला होता है हमारा यार इंटीजर और दूसरा होता है हमारा डेसिमल। अब डेसिमल लेके इसमें क्या करना है, अब तो आप लोग एक्सपर्ट हो जाओगे, जब हम करेंगे आप खुद से करोगे यार, तुम अब एक्सपर्ट हो चुके हो, देखो करना क्या है, एक चीज याद रखो, जब भी तुम्हें किसी को भी डेसिमल में कन्वर्ट करना हो, किसी को भी ऑक्टल को बाइनरी को किसी को भी हमें डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो उसकी जो बेस है ना उस पर हम पावर लगाएंगे, यानी कि पोजिशनल वैल्यू जो मैंने आपको समझाई थी उसी का इस्तेमाल करने वाले हैं। देखो क्या करें, थोड़ा इसको बड़ा बड़ा लिख लें, 1570, यहाँ पर आपकी गणित की शक्तियों का इस्तेमाल होने वाला है, कैसे होगा बताऊंगा, इसकी पोजिशनल वैल्यू क्या होगी, 8 की पावर 0, इसकी 8 की पावर 1, इसकी क्या होगी 8 की पावर 2, इसकी 8 की पावर 3। ठीक है, हमें क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करके इनको एडिशन करना है। ठीक है, देखो कैसे करना है, 1 × 8 की पावर 3 प्लस 5 × 8 की पावर 2 प्लस 7 × 8 की पावर 1 प्लस 8 की पावर 0 × 0। ठीक है, अब देखो 8 की पावर 3 क्या होता है, तो इसके लिए हम चलते हैं हमारे कैलकुलेटर के पास, और हमारे कैलकुलेटर ने हमको बताया कि 512 होता है। ठीक है, 8 की पावर 3 कितना होता है 512, अब एक बार हम चेक कर लेते हैं हम भी, बिकॉज इससे आएगा हमारा आंसर, तो जल्दी से आप लोग कमेंट करो। ठीक है, 512 जैसा कि मैंने सही कहा था। अब इसका 5 × 8 की पावर 8 की पावर का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर होता है 64 × 5 करेंगे तो आंसर आएगा 320। ठीक है, कहो भैया इतना फास्ट कैसे, अरे मैं तो फास्ट हूँ यार। अब देखो 7 × 8 करेंगे तो कितना हुआ, 8 × 8 = 56। ठीक है, और ये 0 तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0। अब इसको कर लो ऐड, ठीक है,
तो ये ऐड करके बताओ इसका आंसर क्या आएगा। तो मैं बताता हूँ ना, बिकॉज मैं एक्सपर्ट हूँ। देखो क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 888 बेस 10। जब कभी सॉल्व करना तो ये बेस लगाना ना भूलना, वरना आपके जो टीचर है ना वो आपके नंबर गायब कर देंगे। ठीक है, फिर तुम मुझे कमेंट करोगे भैया हमने तो पूरा वैसे ही करा था जैसा आपने कराया था, नंबर कट गए। ठीक है, तो ये चीज का आपको बड़े अच्छे से ध्यान रखना है। अब हम बात कर लेते हैं डेसिमल के बारे में। भैया डेसिमल आया तो हमें क्या करना है? देखो डेसिमल अगर आएगा तो क्या करना, बड़ी भैया गंभीर समस्या होने वाली है। कोई समस्या नहीं यार, मैं हूं ना, क्लोर मत दिया करो। देखो मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। मान लो यहाँ पे आपका 1 है और यहाँ 2 है, ठीक है, चलो 1, 2, 3 ले लिया जाए। बात क्लियर? बहुत भैया भैया बिल्कुल क्लियर। देखो तो क्या होगा, यहाँ पे लिख लो 1, यहाँ लिख लो 2 और यहाँ लिख लो 3। अब इनकी पोजिशनल वैल्यू ले लो। 1 की पोजिशनल वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से मैंने बताया था जब डेसिमल आता है तो उसके बाद से पोजिशनल वैल्यू नेगेटिव में शुरू होती है। सो 8 की पावर -1, 8 की पावर -2 और 8 की पावर -3। ठीक है, अब क्या करना है इनको, देखो 1 × 8 की पावर -1 प्लस, ठीक है, 2 × 8 की पावर -2, बात समझे, प्लस 3 × 8 की पावर -3। अब यहाँ आपकी देखो मैथमेटिक्स लगने वाली है थोड़ी सी, बस वहां पे आपको करना कुछ नहीं है, सिंपल, बहुत सिंपल यार, हम इसको ऐड कर देंगे। देखो इसका मतलब, देखो किसी नंबर पे नेगेटिव पावर का मतलब ये होता है कि पावर वो डिनोमिनेटर में लगी है। यानी कि देखो मैं आपको समझाता हूँ, 8 की पावर -1 का मतलब है कि 1/8 की पावर 1। अब 8 की पावर -2 का मतलब है कि 1/8 का स्क्वायर। सिमिलरली 8 की पावर 3 का मतलब क्या होगा कि 1/8 का क्यूब। ओके, तो ये आंसर में बहुत पॉइंट में जाएगा, तो इसलिए अब देखो क्या करेंगे, सिंपली अब 1 × करोगे तो ये क्या रहेगा, आप इसको करो तो 1/8 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करोगे इसको 2/8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर क्या होता है 64। ठीक है, 8 का स्क्वायर 64 होता है हमारा, प्लस 3/512। अब यहाँ से आप इनको कर दो क्या डिवाइड, तो ये होगा 1/32, ये होगा हमारा 1/, अगर हम इसको डिवाइड करें 512 को तो ये कितने बार जाएगा आपका, 512 को करो 3 से, 3 × 1 = 3, 2×1, और ये आपका आंसर पॉइंट में जाएगा अब। तो इस ये जो होगा नहीं कटने वाला है, ठीक है, बिकॉज 5, 6, 8 नहीं कटेगा, 3 से कटेगा ही नहीं है, है ना। तो हमें सिंपली क्या करना है, 512। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, अब ये आपको डिवाइड करना है। अब चलो मैं आपके लिए डिवाइड कर देता हूँ, बिकॉज मेरे पास कैलकुलेटर है तो मैं सख्ती का इस्तेमाल करूँगा यहाँ पे, और आप लोग अब इसको देखते रहोगे। चलो डिवाइड करो आप लोग, सिंपली हमें क्या करना है, 1 को हमें डिवाइड करना है 8 से, तो ये हमारा आंसर आ रहा है 0.125। ठीक है, हम इस पर एक बार इसको आंसर लिख लेता हूँ, एक बार स्टेप बढ़ाना पड़ेगा हमको। देखो 5/12 + 3/20 + 56 + 0, 0 वाइप करके नहीं करोगे, चलो यहाँ से लिख लो 0.125 + 1/32 का ये क्या है, 1/32, इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा, ये देखो कहाँ तक मामला जा रहा है, 0.003 0.003 125 प्लस, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो भाई और मामला जाएगा पॉइंट में, देखो क्या जाएगा, 3/5 हमारा 512, 0.00 0.00। वैसे आपको यार ये डेसिमल का इसमें नहीं देंगे और आपका टाइम बहुत जाएगा, ठीक है, 5859। अब देखो मैं तो स्मार्ट हूँ, ठीक है, मैंने मुझे कंसेप्ट समझाना था तो मैंने इसमें ही ऐड कर दिया, वरना अलग से सवाल लेना पड़ता तो आपकी और ऐड है। हमारे पास क्या, हमको इतने का एडिशन पता है कि इतने का क्या था, 588 था, तो मैं ये बचा अलग से ऐड कर लेता हूँ मैं और आपको बता दूंगा, क्या कहते हो भैया, आप बड़े स्मार्ट निकल रहे हो, ये इसीलिए तो मैं यहाँ पे हूँ। चलो सो हम करेंगे 0.005859 प्लस इट्स 0.03125 प्लस 0.125, तो ये हो जाएगा, देखना 1.1620, ये आएगा 0.1620
162 162 109 और हमको 88 में ऐड करना है, तो ज्यादा फर्क देखो नहीं आया, 88.162109। और ये क्या क्या लगाना है भैया, बेस कितना 10, ठीक है, इस चीज को हम नहीं भूलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ यार आप लोगों को ये आंसर बहुत अच्छे समझ में आ रहा है, मैं अपना बेस्ट ट्राई कर रहा हूँ ताकि आप लोगों का टाइम भी सेव करा जाए, इसलिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेता हूँ, और साथ में आप लोगों का आंसर बहुत अच्छे से समझ में आए। देखो यार इसमें कुछ ऐसा है नहीं कोई समझ में ना आए, तुमको बहुत आसानी से मैंने फॉर्मूला बता दिया है कि जब भी किसी को भी यार ऑक्टल हो, बाइनरी हो, हेक्साडेसिमल हो, ठीक है, किसी को भी डेसिमल में कन्वर्ट करना हो, किसमें डेसिमल में, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली उस नंबर की पोजीशन वैल्यू का इस्तेमाल करके ये वाला प्रोसेस को फॉलो करेंगे और हमारा आंसर बड़े ही प्रेम से आ जाएगा। पर करने वाले हैं आज हम करेंगे ऑक्टल टू बाइनरी का कन्वर्जन। अब हमें सबसे पहले बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है ये, पहले तो मैं आपको बता दूं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब इसको शुरू करने से पहले मैं आपको दो चीज बताना चाहूंगा, वो ये कि आपको सबसे पहले बेस याद पता होना चाहिए, ऑक्टल का बेस होता है 10 और बाइनरी का बेस होता है 2, सॉरी गलत हो गया, ऑक्टल का बेस होता है 8। मैंने इतने में कमेंट कर दें भैया आपको नहीं आता, अरे भाई सॉरी गलती से हो गया है, माफ कर दो भाई, गुस्सा मत करो। चलो अब पहले एक चीज समझ लो कि यार ऑक्टल में, ऑक्टल नंबर सिस्टम में कौन कौन से नंबर थे, 0 से लेके कहां तक थे, 7 तक थे, ठीक है बात क्लियर, ठीक है। बाइनरी में क्या है कि 0 और 1 होता है ना, तो हम एक काम करते हैं कि एक बार लिख लेते हैं, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या है, ये हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम है ना, हाँ भैया है। अब यार देखो बाइनरी नंबर सिस्टम में तो सिर्फ हमारे पास दो ही ऑप्शन अवेलेबल है, वो क्या है, 0 और 1, तो इसका मतलब ये है कि हम डायरेक्टली तो कुछ नहीं कर सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, 0 से लेकर 7 तक का बाइनरी पहले हमको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, बाइनरी पता होना चाहिए। अब ये जो बाइनरी है मैंने आपको एक वीडियो में बताया था, हम फिर से एक बार थोड़ा सा इसमें रिवाइज करवा देंगे कि हम बाइनरी नंबर सिस्टम में 0 को बेसिकली क्या बोलते हैं। देखो 0 को तो हम 0 ही बोलेंगे, फिर हम इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये 0 0 1 हो जाएगा, ठीक है, इसमें हम फिर से 1 ऐड करेंगे, तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी वो आपने बड़े ध्यान से सुनी भी थी, वो ये थी कि 0 0 1 प्लस 1 यहाँ पर क्या हो जाता है, 10 हो जाता है, क्या होता है 10, यानी कि 1 और 1 कितना हुआ 10, तो यहाँ पे आएगा 0 और इसकी जो कैरी है वो आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है, तो अब ये दोनों गायब और ये 0 यहाँ आ गया। अब देखो 1 और 0 क्या होगा, 1 और ये 0 ऐसे ही आ जाएगा, क्या इतनी बात समझ में आई, हाँ भैया बात समझ में आ गई, तो इसका हो गया 0 1 0। जब हम इसमें ऐड करेंगे तो ये आएगा हमारा कितना 0 1 1, 4 का हो जाएगा हमारा 100, ठीक है, 5 का हमारा हो जाएगा 101, 6 का होगा हमारा 110 और 7 का होगा 111, ठीक है। एक बार हमने देखो आपको निकाल के दिखाया, बिल्कुल सही है, अगर तुमको बस इतना कंसेप्ट समझ में आ गया ना, ठीक है, फोन साइलेंट कर लेता हूँ यार वरना फिर से मुझे कट लगाना पड़ेगा। अभी आप लोग पता है, आप लोग जितने स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हो आप लोग बिलीव नहीं करोगे कि टाइम क्या शूट करने का, आज आपको कैमरा में शायद क्लियर हो तो मैं दिखाऊं, सो आप देखो कि इसका जो टाइम है वो आप देख सकते हो, ठीक है, अभी रात का 12:30 बज रहा है, मैं आपका वीडियो शूट कर रहा हूं, ओके चलो, बिकॉज यार अभी एरोप्लेन निकल रहे हैं, अभी भी कोई एरोप्लेन आ ही जाएगा मुझे पता है। देखो हमें पहले ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो हमें क्या है कि जो हमारे पास ऑक्टल नंबर सिस्टम है हमने उसको क्या किया, बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया, इतनी बात क्लियर है, हाँ भैया इतनी बात क्लियर है। अब तुम्हें अगर देखो इतनी बात क्लियर है ना, तो बस तुम्हारा क्या हो गया, पूरा पूरा काम हो गया, ठीक है, हम इस चीज को रफ नहीं करेंगे, देखो आगे एरोप्लेन अगर आवाज आई हो बैकग्राउंड में, तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल नंबर 1 ले लेते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर देखो 1 क्या है, मैं कोई भी नंबर उठाऊंगा सबसे पहले मैं उठाऊंगा आपकी किताब से, बिकॉज आप थोड़ा सा फैमिलियर हो जाते हो ना उससे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। आपकी किताब में दिया 472, देखो ये रहा 4 और ये रहा 7 और ये रहा 2, इसके मैं काफी एग्जांपल्स कराऊंगा, पिछली वीडियो में अच्छा लगा भैया आपने कम एग्जांपल कराए, थोड़ा वीडियो की लेंथ भी कम हो रही थी, है ना। अब देखो
कि सबसे पहले देखो चार कोण आ जाओ, वैसे मोस्टली प्रेफर करना कि आप पीछे से लिखो, ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। टू का क्या है 010, सेवन का क्या होता है 111, फोर का क्या होगा 100। अब इन सबको एक साथ लिख दो, देखो एक साथ ऐसे 100111010, और ये कैसा नंबर है बाइनरी, तो इसका बेस 2। देखो कभी भी किसी नंबर का तुम बेस अगर नहीं लिखोगे तो वो तुम वहां पर गलत कर रहे हो, ठीक है, बिकॉज टीचर को मौका ही मत दो नंबर काटने के लिए। ओके अब एग्जांपल मैं आप लोग करके दिखाओ मुझको, 5000, चलो इसका करके दिखाओ आप लोग मुझे, ठीक है भैया इसका तो बहुत आसान है, आपने तो मजाक कर दिया हमारे साथ भैया, ऊपर लिखा नहीं छापना ही दो है, ठीक है। तो भैया 5 का होता है 1016, का होता है 1107, का 111, और 2 का होता है भैया 010, है ना, देख रहे हो, मुझे देखो देखने की जरूरत नहीं पड़ रही है आप लोगों को, बहुत आसान सी चीज है। देखो जैसे कि 6 तक क्या था 110, तो इसमें 18 करेंगे तो ये 111 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो 5 का अगर इसको हम 4, जैसे कि मैंने अभी 3 डिजिट में कन्वर्ट किया हुआ है, ठीक है, अगर आप 4 डिजिट में कन्वर्ट करोगे आगे तो आगे आपको पता होगा कितना आसान होता है ये। अब इसका बताओ क्या होगा, तो इसका हो जाएगा भैया 101110, और इसका 111, और इसका 010। देखो आइए आप लोगों को बैकग्राउंड में किसकी आवाज, एरोप्लेन की आवाज आ रही है, हाँ तो ये फाइटर जेट्स की आवाज है, ठीक है, ये ऐसे आती रहती है। तो यहाँ यहाँ हमने क्या किया, हमने कन्वर्ट करा है, देखो आपको सीधा आंसर लिखना कैसे होता है ये भी सिखा देता हूँ, 5672 टू द बेस 8 में आपको लिखना होता है, जो हमारा आंसर है वो ऐसे 101110111010, कैसे बेस 2। ये है हमारा करेक्ट तरीका लिखने का, और अगर करेक्ट तरीका नहीं सीखा तो फिर क्या होगा, फिर करते हैं हमारे नंबर, क्या करते हैं नंबर। चलो एक आधा और एग्जांपल कर लिया जाए, बिकॉज आई थॉट कि यार तुमको ये सारी चीजें ना बहुत ही आसान है अगर हम सही से सीखें तो, और अगर आपको एक मेरे ऐसा स्मार्ट पढ़ाने वाला इंसान मिल जाए तो और अच्छी चीज है, ठीक है। बोर्ड गंदा हो रहा है यार, चलो कोई बात नहीं, साफ करेंगे इस वीडियो के बाद में हम। एक और एयरप्लेन आया आप लोगों को बैकग्राउंड में, सुनो लगता ही तो ऊपर से ही निकल रहा है मेरे, वाह इसको चला जान देते हैं, आई थॉट उड़ ले पहले, ये उड़ ले ना, एंटरटेनमेंट भी कर लो, तुम लोग एयरप्लेन की आवाज़ सुन रहे हो, कभी बताना लाइव जब निकलेगा रिकॉर्ड करके रख लूंगा। चलो दो तीन एग्जाम्पल और कर लिए जाए, एग्जाम्पल नंबर सी, एक बच्चा ने कहा था भैया राइटिंग सही लिखो, तो देखो भाई मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि तुमको समझ में आए, है ना। सो अब देखो, अब आप लिख लो किस चीज का, आप 730 का लिख के बताओ, ठीक है भैया बहुत आसान है, 7 का होता है 111, 3 का होता है 011, और 0 का क्या भैया 0 ही होगा, तो इसको सही से लिख के बताओ भैया सही से क्या, ये लो 730 था क्या ऑक्टल है ये, तो 8 और 111 011 0, और ये बेस 2। चलो भैया और पूछ लो, और पूछ लो, हमको तो आ गया। अच्छा चलो भाई एक और बता दो तुम उसको, 786, ठीक है 786 का बताओ भैया, अब तो हम ना बहुत ज़्यादा होशियार हो गए तो हम ऐसे ही लिखेंगे, चलो सो 7 का हो गया, देखो 786 का क्या हो गया, ये 7 का हो गया 111, ठीक है सॉरी 786 का हो ही नहीं सकता है क्योंकि 8 जो है हमारा वो ऑक्टल नंबर में है ही नहीं, ठीक है पकड़े बात समझ में आई तुमको, यहाँ तक पूरा वीडियो देखना जो भी देखा है, वरना बाद में कमेंट करो भैया आपको ही नहीं आता, सॉरी आप 143 लिखा है लिख के दिखाओ, 143 अरे लड्डू फूटा, चलो कोई नहीं। सो 001, 4 का क्या होगा 100, और 3 का क्या होगा बताओ 011, क्या मैं सही हूँ, 1 का था 001, 4 का है 100, और 3 का है 011, सो समझे, वो जो तुम्हारे 3 मैजिकल वर्ड की तरह आप लोग ये शॉर्ट टर्म को इस्तेमाल करते हैं 143, तो अब आप ये वाला कोड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, समझे नया तरीका मिला है हमको भाई, अब हम क्या लिख के भेजेंगे 001 100 011, अगर उसको डिकोड करना आता होगा तो डिकोड हो जाएगा, वरना तो फिर ऐसे ही कहानी चलती रहेगी। चलो अब देखते हैं कि हम इसका रिप्लाई देंगे तो क्या देंगे,
हम इसका रिप्लाई क्या देते हैं, 142। क्यों, क्या कर रहे हो? अरे भैया क्या बात कर रहे हो आज आप? चलो कोई नहीं यार, हमको कंसेप्ट सीखना है, हम मैं तुम्हें सिखा के रहूंगा, और तुम अब तुम चाहते हो कि भैया हम नहीं पढ़ेंगे, तुम पढ़ो कैसे नहीं, मैं तुम्हें पढ़ा के रहूंगा। देखो वन का क्या रहेगा कि 001, फोर का है 100, और टू का क्या होगा, 010 होगा टू का, ठीक है? हाँ बिल्कुल सही। सो इसका इसका क्या था, 143। और इसका टू है ना, टू वाला, समझ रहे हो भैया? समझ तो हम भी गए, समझ तो भाई भैया आप भी गए हो। चलो बहुत बढ़िया बात है, तो पढ़ाने वाला हूँ बाइनरी से ऑक्टल में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। बहुत आसान चीज है, बट हमको थोड़ा सा ध्यान से समझने की जरूरत है। तो शुरू करते हैं हम कि आज हम बाइनरी से कन्वर्ट करेंगे ऑक्टल में, ठीक है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों का बेस क्या है। सो बाइनरी का बेस होता है 2 और ऑक्टल का बेस होता है 8। अब आपको एक चीज बता देता हूँ कि जब मैंने ये पढ़ाया था आपको, बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ाया था और ऑक्टल नंबर सिस्टम पढ़ाया, तो मैंने ये बताया था कि बाइनरी के अंदर दो ही डिजिट होते हैं, एक 0 और 1 होता है, ऑक्टल के अंदर 0, 1, 2 up to 7 तक होता है, ठीक है? हाँ भैया बात आपकी बिल्कुल सही है। अब क्या है कि हमको इनको कन्वर्ट करने के लिए हमने जो ऑक्टल है उसके 0, 1, 2, 3 को हमने बाइनरी में ऐसे हमने कन्वर्ट किया है, ठीक है? जब वो कन्वर्जन होता है, ये कैसा होता है मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, आप लोग उसको चेकआउट कर लेना। अब चलो अब बात करते हैं कन्वर्ट कैसे करना। बहुत ही आसान चीज है, बहुत आसान चीज है। एग्जाम्पल लेते हैं हम, एग्जाम्पल नंबर 1, हम वापस से अपने 143 को डिकोड करेंगे, ठीक है? सॉरी 143 को हम देखो क्या ना क्या, हमको हमारे पास अगर लिखा हुआ है कि 001 और हमारे पास है 100 001, ठीक है? तो देखो हमको सबसे पहले इसको सेपरेट करना है। हम देख रहे हैं कि कितना लिखा हुआ है, कितने टर्म्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो अब तीन का पेयर बनाएंगे, क्या करेंगे, तीन तीन का पेयर बनाएंगे, ओके? हाँ भैया ठीक है। सो पीछे से लिखो 011 एक पेयर हो गया, ठीक है, और 100 एक पेयर हो गया, और एक पेयर हो गया 001, ठीक है? तो 001 को अब देखो कि 001 बाइनरी के अंदर ऑक्टल नंबर में क्या होता है, 001 का मतलब होता है 1, ठीक है? और 100 जो बाइनरी में उसको ऑक्टल में क्या बोलते हैं हम, उसको ऑक्टल में बोलते हैं 4, ओके? और 011 जो है इसको हम क्या बोलते हैं, 3 बोलते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा कन्वर्ट हो गया बाइनरी से किस में, ऑक्टल में। और क्या लगाना मत भूलना भैया, आपने बहुत याद दिला दिया कि हमको बेस लगाना नहीं भूलना है, हमें कोई ऐसा काम नहीं करना है कि हमारा जो गुरुजी हैं वो हमारे नंबर काट पाए, ठीक है? तभी हमारे नंबर अच्छे से आएंगे। अब एग्जांपल लिया जाए, दूसरा एग्जांपल लेता हूँ मैं, दूसरा एग्जांपल में आप लोग बताओ कि इसका कोड क्या है। चलो कन्वर्ट करो भैया, आपने बड़ा आसान सवाल क्यों दे दिया, बिकॉज अभी तुम्हें आसान इसलिए लग रहा है क्योंकि तुम्हारे सामने ये लिखे हुए हैं, अगर मैं अभी मिटा दूँ इनको यहाँ से तब तुमको पता चल जाएगा कि वास्तविकता में ये तुम्हारे लिए अभी इतना आसान है या नहीं। देखो मैं ये नहीं बोल रहा टफ है, बिकॉज आपको भी ना कोड्स सामने लिखे हुए तो आपको आसान लग रहा है, एक बार तुमको याद हो जाएंगे ना तो चुटकियों तुम कर लोगे, ठीक है? तो हमें क्या करना है, याद करना है, और पेपर में अगर तुम अटक भटक भी जाओ ना तब भी मैंने तुम्हें ट्रिक्स भी इस चीज़ की बता देता हूँ, देखो ठीक है? देखो इसके ट्रिक्स जो इसकी हैं वो यार जब पूरी होती है ना ये, मतलब 16 तक होता है, तो इसमें मैं ट्रिक्स लगा देता हूँ, बिकॉज वो 4 नंबर तक चला जाता है ना। चलो वो भी हम बताएंगे आगे, कोई दिक्कत थोड़ी है, अभी कौन सा खत्म हुए कंप्यूटर साइंस, तीन तीन का हम पेयर बनाएंगे। तो देखो 111 क्या होता है 7, और 110 क्या होता है 6, 110 क्या होता है 4, तो ये क्या हो गया, इसको लिखो, ये भैया 111 110 100, और इसमें ये हो जाएगा क्या, ये बाइनरी, ये क्या है 764, ये हमने किसमें कन्वर्ट किया है, ऑक्टल, ऑक्टल का बेस क्या है 8। क्या तुम्हें समझ आया? मुझे लगा तुम्हें समझ नहीं आया, चलो कोई बात नहीं, तुमको नहीं आया, चलो भाई अब तुमको एक ऐसा एग्जांपल दूंगा कि अब तो समझ में तो आएगा ही, ठीक है ना?
देखो घर में सबसे ज्यादा खौफ किससे होता है वो अभी हम बात करेंगे अपना कंप्यूटर साइंस के लाइन में से, ठीक है। देखो 100 ओके 000 ठीक है 100000 इसको कन्वर्ट करो आप। देखो भैया ये तो आपने बड़ा आसान दे दिया भैया, ये 00 जो है इसका मतलब होता है 0 और इसका मतलब होता है 4, ठीक है, इसका मतलब होता है 0 और इसका मतलब होता है 4, तो ये हो गया 4040, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत सही आप लोग समझ रहे हैं। तो हम इसको लिखेंगे कि 2 और यहाँ लिखेंगे हम 4040 का बेस 8। क्या बात समझ में आई? समझ में आई। अब एक और डायग्राम, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, सिंपली 100001 100001, बताओ ये क्या लिखा हुआ है, मैंने इसको कन्वर्ट करो। भैया आपने कुछ नहीं करा है, आपने सिर्फ 00 को इस वाले में से 00 को 001 बना दिया है। अरे वाह, तुम तो बड़े होशियार हो गए यार, बहुत जल्दी समझने लगे हो। तो भैया आपने सो कर दिया 1, ये तो भैया 4 का 4 ही है, ये तो 1 का 1 ही है, ये 4 का 4 ही है। तो भैया ये हो गया हमारा 4141, है ना। 4141 का मतलब क्या हुआ, पापा जी, ठीक है जी, थोड़ा सम्मान करना सीख जाओ वक्त के साथ, जो चीज़ें तुम्हारे पास आज हैं उनका सम्मान करना। क्योंकि क्या होता है कि आज तुम घर में हो, ठीक है, तुम 11th के स्टूडेंट हो, आज तुम घर में हो, कल 12th होगी तुम्हारी, तभी शायद तुम घर में रहो। उसके बाद हो सकता है कि तुम्हें घर में, अपने ही घर में तुम मेहमान बन के जाओ। तो ये चीज़ बता रहा हूँ कि यार कुछ चीज़ें छोटी छोटी आपको छोड़ता रहूँगा वीडियोज़ के बीच में, आप लोगों को लर्निंग्स लाइफ की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज आज तक तुम यार आजकल तुम जहाँ से सीखना शुरू कर रहे हो ना सोशल मीडिया से, एक तो मैं सच बता देता हूँ, वीडियो बोरिंग नहीं करूँगा, अपन ना पढ़ाने का काम है, ठीक है, साथ में गाइड भी करूँगा, मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तुम सीखते कहाँ से हो, इंस्टाग्राम से, उसकी रियलिटी जानते हो तुम अभी, एक वीडियो क्रिएट कैसे कर रहा था उसकी रियलिटी जानते हो। तुम्हें वो चीज़ लग रही है यार कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा कूल है, बहुत ज़्यादा कूल फैशन है, ठीक है। क्योंकि यार मैं तो इस बंद कमरे के अंदर कुछ भी बोल सकता हूँ, आपको कुछ भी दिखा सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ग्रीन स्क्रीन का यूज़ करके मैं भी लगा सकता हूँ कि मैं चंद्रमा पे खड़ा हुआ हूँ, ठीक है, बट आपको किसी चीज़ की रियलिटी नहीं बताएं। और एक टाइम ऐसा आएगा, अब जब बात आ गई है 4141 पापा जी की, तो आपको ना उनकी सारी बातें एक टाइम पे बेकार लगती हैं। बिकॉज क्या होता है कि वो कहते हैं कि कोई नई चीज़ आई है मार्केट, वो कहते हैं अभी मत खरीदो, रुक के खरीदना। तो आपको पता है जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे आगे, ठीक है, थोड़ा आप फाइनेंस के बारे में जानोगे, तो इसी चीज़ को बोलते हैं, इसी चीज़ को टर्म दिया जाता है फाइनेंस में, इम्पल्स परचेस बोलते हैं, ठीक है। आपको पता है इतनी सारी चीज़ें तुम घर में सीखते हो ना बिना कुछ पे करे हुए, बाहर तुम पे करने के बाद भी नहीं सीख पाते हो, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है। तो आज तुम्हारे पास तुम्हारे पेरेंट्स हैं, इज्जत करो उनकी और रिस्पेक्ट करो, और कई बार तुम्हें लाइफ लेसन्स ऐसे मिलेंगे जो शायद तुम्हें बाहर नहीं मिल सकते, ठीक है। तो बस स्टूडेंट्स, और अगर तुमको अभी तक ये नहीं समझ में आया है तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, बिकॉज एग्जांपल की जो भरमार है। फिर से एरोप्लेन आ गया, एरोप्लेन मैंने बताया यार रात में बहुत एरोप्लेन आते हैं, कई बार मैं सोते सोते उठ जाता हूँ, पता है आपको, मैं सोचता हूँ पता नहीं बाहर गेट पे कौन है, देखता हूँ तो एरोप्लेन था यार, मुझे लगता है एरोप्लेन नीचे आ जाएगा भाई यार, समझ रहे हो। सो 010 and 100 और इसके बाद 101। अब बताओ ये क्या लिखा हुआ है मैंने, भैया अब तो भैया स्मार्ट हो गए तो हम तो आपसे जल्दी बताएंगे। 010 का मतलब होता है भैया कि आपने लिखा है 2, और 100 का मतलब होता है आपने लिखा है 4, और 101 का मतलब होता है आपने लिखा है 5। सो आपने लिखा है भैया 245, ओके। तो बस आज की वीडियो में यार इतना ही, बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। और जिन बच्चों का अभी 30 तारीख को एग्जाम है, जिन्होंने मुझसे बोला कि भैया मेरा एग्जाम आ रहा है, तो ऐसा है कि आपका एग्जाम का सिलेबस कितना भी हो, पूरी कोशिश कर रहा हूँ निपटाऊंगा, ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा कि आपका जो टीचर है ना चैलेंज कर दूंगा कि इससे अच्छा पढ़ा के दिखा दे, ठीक है। मैं अगर अपनी चीज़ बताऊँ तो जब मैं क्लास 11th में था
तो मेरा जो ये एग्जाम हुआ था उस टाइम पे क्या था कि कंप्यूटर साइंस मेरा फेवरेट था, ठीक है। मुझे टीचर ने चैलेंज किया था कि बेटा आज तक इस स्कूल में किसी बच्चे के 11th में ऐसे वन में फाइनल मार्क्स नहीं आए, मतलब पूरे नंबर आए नहीं कभी। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा सर हम लाके दिखाएंगे, कॉन्फिडेंस तो था ही, हमने कहा हम लाके दिखाएंगे भाई। सर ने कहा ठीक है। सर ने कहा अगर तुम एग्जाम्पल भी नहीं लिखोगे तो तुम्हें नंबर काट ले जाएंगे। तो तुम्हें मस्त फैक्ट बताता हूँ आज, ठीक है। सो आज हुआ क्या कि मैंने जब वो एग्जाम लिखा तो 70 नंबर का एग्जाम था, मैक्सिमम मार्क्स 70 होते हैं, ठीक है। अब सर ने ही बोल दिया था कि भाई आप एग्जाम्पल अगर नहीं लिखोगे तो नंबर काट लेंगे, सही से लिखोगे। तो देखो मैंने क्या किया, अभी तुम एक चीज आगे पढ़ोगे, कुछ बच्चों ने पढ़ भी ली होगी तो भी बताता समझाता हूँ आपको कि आपने जब प्रोग्राम पढ़ोगे आगे तो प्रोग्राम पूरा लिखना होता है, ठीक है। बिकॉज मैं जिस लैंग्वेज पढ़ी थी मैंने C++ था, तो आपकी पाइथन तो बहुत ईजी है, पता है आपको। आपके पाइथन में कोई ऐसा चक्कर नहीं कि इंटरमेन वर्ड में आपको लगाना है, ठीक है। मेन आपका लिखना बस लिखे शुरू हो। सो उसमें यार C++ में काफ़ी थोड़ा होता था कि आपको वर्ड में लगाना है, इंटरमेन लगाना है, वेरिएबल डिक्लेयर करना है, सारी चीज़ें। आज हम करेंगे डेसिमल को कन्वर्ट किसके अंदर, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, ठीक है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इन दोनों का बेस क्या होता है। बेस को रेडिक्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेडिक्स ही मैंने आप सभी को पढ़ाया हुआ है। सो इसका रेडिक्स क्या है, ये हो गया रेडिक्स, इसका रेडिक्स होता है 10 और इसका रेडिक्स होता है हमारा कितना, ये होता है हमारा 16। ओके बात क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक। अब हमें क्या करना है, हमको सिंपली पहले ये देख लेते हैं कि डेसिमल नंबर सिस्टम में कितने डिजिट्स हैं, ठीक है, बिकॉज इसका बेस तो 10 है, और हेक्साडेसिमल में कितने हैं, है ना, पहले ये बात कर ली जाए। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम में है कितना, 0 से शुरू होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 यहाँ तक जाता है, ठीक है, तो कौन सा, डेसिमल नंबर सिस्टम। अब हम बात करेंगे किस हेक्साडेसिमल के बारे में, क्योंकि हमें नंबर सिस्टम थोड़ा सा पता होना चाहिए सबसे पहले, ठीक है। हेक्साडेसिमल शुरू तो 0 से होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यहाँ तक तो सेम है, बट हम क्या करते हैं 10 जैसी आता है ना, 10 से ABCD शुरू हो जाती है हमारी, यानी यहाँ पे आना चाहिए था क्या 10, तुम क्या लिखेंगे, देखो जो एग्जैक्ट आना चाहिए वो मैं नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पे 10 आना चाहिए, बट हम लिखेंगे उसको A, फिर आएगा 11, 11 को लिखा जाता है B, फिर आता है हमारा 12 तो C, और फिर आएगा 13 तो D और E, सॉरी ये E यहाँ होगा, यहाँ आएगा हमारा 14 और ये 15 F तक। सो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जो है वो 0 से शुरू होता है F तक जाएगा। अगर तुमको इतनी सी बात समझ में आ गई, अब तो बस तुम्हें नॉर्मल सी बिल्कुल जो बचपन में करा करते थे हम वो वाली हमको मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करना है। अब कहोगे भैया आप क्या कर रहे हो, मैं डस्टर ढूंढ रहा हूँ जो मिल गया। ओके चलो अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। सो हाँ दो एग्जांपल समझते हैं यहाँ पर कि हमें सिंपली करना क्या है, और सेम फॉर्मेट रहेगा कि नीचे से ऊपर हम लिखेंगे। मान लो मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, एक नंबर लिया मैंने, सबसे पहले अभी किताब से एग्जाम्पल उठाऊंगा मैं, वो है 4, 4, 2, 3 तुम लोग मेरी हेल्प कर रहे, डिवाइड कर रहे, थोड़ी सी मेरी मैथमेटिक्स कमजोर थी, 16। अब हम इसको 16 से डिवाइड करेंगे, जो हमारा रिमाइंडर होगा, देखो यहाँ पर रिमाइंडर वो हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको 16 से डिवाइड करना है, 4, 2, 3 अब आप लोग बताओ ये कितने बार जाएगा, ये हमारा जाएगा 16 हो जाए, 16, 16, 2, 32 16 जी कितना होता है 48, तो ये जाएगा 2 बार, कितना होगा 32, ठीक है। रिमाइंडर कितना बचा, 10 बचा, है ना, इतना प्रोसेस हुआ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2 और रिमाइंडर क्या बचा हमारा 10, ठीक है, बात समझ में आई है, क्या हम सही कर रहे हैं, ठीक है। नहीं अभी मैंने पूरा, एक सेकंड, अभी हमने पूरा मल्टीप्लाई नहीं है, पूरा नहीं किया, पहले हम पूरा कर लेते हैं, ठीक है। तो 10 के बाद ये आएगा कितना, 3 यहाँ पे आ जाएगा। अब 16 किसे कितने बार जाएगा, ये 16 से जाएगा 6 बार, तो
तो 16 6 कितना होता है, थोड़ा सा हम निकाल लेते हैं, 96 होता है। अब ये 96 के बाद ये रिमाइंडर क्या आएगा, देखो बिल्कुल सिंपल कर रहा हूँ आपको, जैसे हम जैसे आप अप्रोच करो तो वैसे ही मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ से 4 ही हो गया 7, तो इसका रिमाइंडर बच रहा है क्या, 7 बच रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे आएगा 26, रिमाइंडर आ गया यहाँ पे 7। ठीक है, बात समझ में आई? हाँ समझ में आई। अब हम इस 26 को 16 से डिवाइड करेंगे, तो अब अगर हम 26 को डिवाइड करेंगे 16 से तो ये जाएगा 16 1 16, और ये हमारा बचेगा यहाँ पर 10। ओके ठीक है, तो इतना 16 1 16 यहाँ बचा हमारा 10। अब ये जो छोटा है तो फिर हम क्या करेंगे, 16 को 0 से करेंगे ताकि ये हमको यहाँ मिल जाएगा 1। इतनी बात समझ गए भैया? समझ गए हम। लेकिन भैया हेक्साडेसिमल में 10 तो होता ही नहीं है। हाँ बहुत अच्छी चीज़ है, हमें क्या करना है, पहले हम इसको हेक्साडेसिमल में लिख लेते हैं, यानी 7 तो 7 ही रहेगा, 10 को क्या लिखेंगे हम, ए लिखेंगे और इसको 1 लिखेंगे, और इसको नीचे से ऊपर की तरफ लिखा जाता है। ओके, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। इसको हम लिखेंगे 1A7, क्या लिखा हमने, 1A7, और साथ में हम बेस लगाना नहीं भूलेंगे, बेस हमारा कितना है 16। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, देखो 4 2 3 का बेस 2 10, और इस तरीके से हमने कन्वर्ट कर लिया। अब एक काम करता हूँ, एक और एग्जांपल से आपको एक और सवाल करवा देता हूँ, ठीक है, जिससे कि तुमको ये डाउट ना रहे कि भैया एक आधा और करवा दो, है ना। तो फिर हम एक काम करें, आपकी किताब में से आपकी जो एक्सरसाइज दी गई है उसमें से मैं एक सवाल ढूंढ लेता हूँ और वही आपको करवा देता हूँ, ठीक है। बिकॉज पहले मैं तो ये सोच रहा था कि यार आप लोग तो वैसे ही ज़्यादा होशियार हो, तो चलो फिर भी करवा ही देता हूँ मैं सवाल। एक सेकंड के लिए आप लोग रुक जाइए, तब तक के लिए मैं ढूंढता हूँ, वी आर कन्वर्टिंग डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। एक सेकंड के लिए, फिर मैं कोई भी नंबर ले लूँ फिर अपने हिसाब से, वो ज़्यादा ठीक रहेगा क्या? तब तक के लिए तुम लोग सब्सक्राइब करो, मैं क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ। डेसिमल टू हेक्साडेसिमल मिल गया, 132 है क्वेश्चन, है 132। क्या करना है, 16 से डिवाइड कर लो, 16 से डिवाइड करते हैं। चलो तो ये तो हमको पता है कि ये जाएगा कम से कम 5 बार से ऊपर में ही जाएगा, ठीक है, बिकॉज 65 जो होता है 80, 6 जा 96, 16 7 जा टेबल लाज मुझे 16 8 जा कितना होता है बताओ, 8 6 48 4 128, तो ये 8 बार जाएगा, 4 बच रहा है। ओके सो ठीक है, या चेक करना पड़ता है ना, तुम लोग फिर कमेंट करते हो भाई गलत पढ़ाया गलत पढ़ाया। सो ये सॉरी रिमाइंडर यहाँ नहीं लिखना है, एक सेकंड एक सेकंड रुक जाओ, आपको 8 यहाँ लिखना है, ठीक है, और जो हमारा रिमाइंडर बच रहा है ये हमको यहाँ लिखना है, जैसा कि मैंने तुमको बताया था, ठीक है। अब क्या है कि इसके बाद हम 16 से इसको फिर से डिवाइड करेंगे, और ये कितने बार जाएगा, ये यहाँ पे आएगा हमारा 0 और यहाँ पे आएगा 8। ओके अब क्या करेंगे हम, बिकॉज डिजिट छोटा था हमारा, अब इसमें क्या है ना, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का यूज़ वही नहीं है, देखो आप नीचे से इसको ऊपर लिख सकते हो। सो यहाँ पे 132 टू द बेस 10 कैन बी रिटन एज 84 टू द बेस 16। ओके अब जब आपकी किताब से सवाल करवा ही रहा हूँ तो फिर एक सवाल आपका और ले लेता हूँ, विच इज 2352, सवाल है आपका 2352, ठीक है। सवाल जितने ज़्यादा करो उतनी ज़्यादा आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। 2352 क्या करेंगे, सिंपल वही 16 से, तो अगर इसको हम डिवाइड करेंगे 2352 को तो ये जाएगा 16 1 16, कितना बचेगा बताओ, 4 3 7 75, तो 16 4 जा कितना होता है, 16 4 जा 64 होता है ना, सो इट्स 64, कितना बचा ये 9,
और टू 65 का कितना होता है 90, सही बोल रहा हूँ ना? ये नहीं बोल रहा, 65 का 90 थोड़ी होता है, सॉरी सॉरी सॉरी, 65 का होता है 80, हाँ 66 96 होता है, ठीक है। अब ये बचा 12, तो यहाँ पे चलो कुछ इस्तेमाल हो रहा है, ये हमारा क्या बचा, रिमाइंडर है ना, क्योंकि तो मैं गलतियाँ नहीं करूँगा तो तुम्हारा दिमाग चलेगा नहीं ना, तुम तो ऐसे छाप लोगे। सो रिमाइंडर ये हमारा क्या है 1 4 5, रिमाइंडर हमारा है 12, ओके। अब हम क्या करेंगे, हम इसे 1 4 को डिवाइड करेंगे 16 से, ठीक है। सिंपली हमें क्या करना है 16 से 1 4 5, अभी बताओ कितना आएगा इसका आंसर, 16 9 का कितना होता है, कर लीजिए कैलकुलेट, 8 7 9 6 54, ये होता है ना 9 9 144 आ रहा है हाँ? और इसके बाद 10 ठीक है, तो 9 144 के रिमाइंडर बचा हमारा 1, तो 9 को हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, और रिमाइंडर हमारा क्या आया है 1, सॉरी यार मैंने कुछ गलत कर दिया क्या, नहीं सही किया है, ठीक है। रिमाइंडर में लिखेंगे इसके बाद 16, अब क्या करेंगे हम 16 को 0 से करेंगे, और 9 यहाँ पे आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब देखो, अब हमें क्या करना है कि 12 को क्या बोलेंगे बताओ, अगर A को 10 बोलते हैं तो 12 को क्या बोलेंगे, B को बोलेंगे 11 और C को हो गया तुम्हारा 12, तो ये हो गई तुम्हारी C 19। अब नीचे से ऊपर इसको देख लो, तो इसका आंसर हो गया 2 3 5 2 10 to the क्या लिखेंगे हम 9 1 C, और ये हो गया हमारा बेस 16, ओके। तो होप सो कि आप सभी लोगों को ये सारी चीज़ समझ में आई होगी, और आप लोगों से बोलना चाहूँगा यार कि प्लीज़ ये जो आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं आप लोग सॉल्व करो इनको, कोई भी दिक्कत आती है तो हमें डाउट अगर पूछना हो तो कमेंट करके बता दें, साथ में मैंने ग्रुप बना रखा है उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लो, बाकी आगे मैं भी अगले वीडियो में जो अगला टॉपिक है आपका जिसमें कि हम वापस कन्वर्ट करेंगे हेक्साडेसिमल को डेसिमल के अंदर, उसमें मैं आपको इससे क्वेश्चंस जो होंगे वो मैं लगवा दूंगा, हम हेक्सा को इसको हेक्साडेसिमल को हम कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, डेसिमल में। सबसे पहले आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि हमें पता होना चाहिए इन दोनों का बेस क्या होता है, डेसिमल का जो बेस या फिर रेडेक्स बोलते हैं वो 10 होता है और हेक्साडेसिमल का होता है 16। साथ में हमको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है इसमें कौन कौन से डिजिट्स या लेटर्स आते हैं, तो हेक्साडेसिमल के अंदर आपका आता है 16 डिजिट्स, यानी जो शुरू होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और फिर 10 की वजह से शुरू हो जाता है ABCD, ए बी सी डी ई और F तक, F डिनोट करता है 15 को, ये 10 को, 11 को, 12 को, 13 को और 14 को। बस एक क्विक रिवीजन करवा रहा हूँ, पिछली वीडियो में मैंने आपको ये सेम चीज बताई थी, डेसिमल नंबर सिस्टम जो होता है अगर मैं उसको भी थोड़ा सा लिख लूँ यहाँ पर, डेसिमल नंबर सिस्टम को, तो ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक होता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सिंपली मैंने आपको बताया था जब भी किसी को ऐसे कन्वर्ट करना होता है तो हम किस चीज का यूज करते हैं, पोजिशनल वैल्यूज का यूज करेंगे। और अब यहाँ पर आपकी जो मैथमेटिक्स है वो अच्छी कैसी होनी चाहिए, आपकी किताब से पहला सवाल एग्जाम्पल उठाऊंगा 3 5 6, देखो हमको दिया गया कि 3 5 6 है, इसकी बेस 10 है और इसको हमको कन्वर्ट करना है, सॉरी हेक्साडेसिमल डेसिमल कर रहा हूँ ना तो मैंने गलत कर दिया, 16 हो गया ना पे, है ना, चलो 3 5 6 2 का पावर 16, ओके। अब हम क्या करेंगे, हम पोजिशनल वैल्यूज को यूज करेंगे, देखो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 और 5 और 6, इसका मतलब क्या हुआ कि ये, अब बताओ ये किसकी है, हम यहाँ पे 10 की पावर में चलेंगे या 16 की पावर में चलेंगे, हम चलेंगे यहाँ पर किसकी पावर, 16 की पावर के साथ चल रहे होंगे, किसकी पावर के साथ चल रहे होंगे, 16 की पावर के साथ में, ओके। अब देखो इसकी पोजीशन वैल्यू क्या होती है, 16 की पावर 0, इसका क्या होगा 16 की पावर 1 और इसका 16 की पावर 2, ठीक है, बहुत सिंपल चीज। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट जो हमारा स्टेप रहने वाला है वो ये होगा,
कि 3 × 16 की पावर 2 + 5 × 16 की पावर 1 + 6 × 16 की पावर 0। ओके देखो दोनों के लिए बताऊंगा यहाँ पर इंटीजर के बारे में भी और आपको जब डेसिमल आएगा उसके बारे में भी। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। क्या करना है, 3 × 16 का स्क्वायर क्या होता है ये बताओ तुम पहले। सो 16 का स्क्वायर होता है, अब देखो मुझे याद नहीं, अब हम बचाएंगे टाइम, आप कैलकुलेट करो और मैं इस्तेमाल करूँगा हमारे कैलकुलेटर को। तो 16 का जो स्क्वायर है वो आया 256 प्लस 16 की पावर 1 होती है 16, ठीक है, तो 5 × 16 प्लस, और 16 की पावर 0 का किसी भी नंबर में पावर 0 का मतलब होता है 1, तो 6 × 1 हो गया। अब अगर हम नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे तो हमें यह करना है सिंपली 3 × 256, इसका आंसर आ रहा है 768 प्लस हम करेंगे 5 × 16 जो कि होता है हमारा 80 प्लस कर देंगे 6। अब हमको इन तीनों को सिंपली ऐड कर देना है और ये हमारा 80 प्लस ये हमारा हो गया 6, हमारा आंसर आ गया कुछ 854। कितना आया 854। अब अगर हमको एग्जैक्ट आंसर लिखना है तो हमको यहाँ पर बेस लगाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये आएगा 854 × 10। अब आंसर भाई मैं भी मैच कर लेता हूँ, बिल्कुल सही आया, 854 आया है, कोई दिक्कत भैया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर एक और एग्जांपल, चलो एक और एग्जांपल कर लिया जाए, है ना, और इस बार एग्जांपल करूँगा आपकी किताब से मैं, और आपकी किताब में से सवाल उठाया जाए जल्दी से, कहीं अपन ना ये रहा हमारा टॉपिक है हेक्साडेसिमल से डेसिमल, चलो बहुत सारे यार यहाँ तो। सो ये हमारे पास है, सबसे पहले हमारे पास A13B को हमको कन्वर्ट करना है, ठीक है, क्या बात समझे भैया, बात तो अब नहीं समझ पाए। अब देखो यहाँ पे देखो पोजीशन वैल्यू का कंसेप्ट आएगा और बहुत अच्छे से आपको समझना है, ठीक है, अब अलग मत कर देना, ठीक है। अब क्या ये इसकी पोजीशन वैल्यू 16 × 0 है, इसकी पावर 1, इसकी पावर 2 और इसकी पावर 3 है। अब हमें क्या करना है, इसको अगर हम कन्वर्ट करें अपने इसके हिसाब से, तो देखो b को क्या होता है, b को 11 होता है, तो ये हो जाएगा 11 और 16 × 0। अब ये बात याद रखना है कि आपको ये अकेला है, इसलिए 1 को इधर मत ले आना है, और 3 इसलिए गैप देकर दिख रहा हूँ मैं, 16 × 1 और 1 का मतलब हो जाएगा 16 × 2 और इसका जो हो जाएगा a का मतलब होता है हमारा 10, 16 × 3, यानी कोई नंबर ये बड़ा ही आने वाला है। अब हम इसको एवेल्युएट करेंगे सिंपली 10 × 16 की पावर 3 होता है हमारा 16 की पावर 3 कितना था, कैलकुलेट मैंने किया था शायद 256 होता है, सो फिर से कैलकुलेट कर लेता हूँ, 16 की पावर 3, ये तो बहुत बड़ा नंबर आएगा यार, 4096 हो रहा है, ठीक है, प्लस 16 का स्क्वायर था 256, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 × 256 प्लस 3 × 16 प्लस 11 × 16 की पावर 0 का मतलब होता है 1, अभी मैंने आपको बताया था। अब हम क्या करेंगे कि इसको करते हैं मल्टीप्लाई, शुरू हो जाओ 10 × 4096, तो ये हो गया 40960 प्लस 1 × 256 कितना हो जाएगा, 256 ही हो जाएगा, प्लस 16 × 16 = 48, सो ये हमारा हो जाएगा 48 + 11, इन तीनों कर दो आप क्या ऐड, सो ये हो जाएगा 40960 प्लस 256 प्लस 48 + 11, तो ये आ रहा है 41275 × 10, ठीक है। देखो मैं सच बोल रहा हूँ कि आप लोगों के सामने ही सवाल सॉल्व किया है, ठीक है, आपके सामने मैंने अप्रोच लगाई है। अब एक चीज चेक कर लेता हूँ, अगर आपकी इस पुस्तक में आंसर दिए गए हैं तो फिर मैं आंसर चेक करके बताता हूँ कि मैंने आपके सामने ये सवाल सही सॉल्व करा है या फिर गलत सॉल्व करा है। तब तक आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं करे हो तो कर लेना, वाओ आपकी किताब में पीछे आंसर भी नहीं दिए गए हैं, बहुत अच्छी चीज़ है ये तो। चलो मैंने कराया तो सही करा होगा फिर, ओके आप और क्वेश्चन करोगे तो फिर एक क्वेश्चन और आपको करवा देता हूँ, थोड़ा सा आसान करवा दूँ, ये तो काफ़ी बड़ा हो गया, A13B था। अब लेते हैं हम E9 को लेते हैं, ठीक है, हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, E9 ले लिया जाए,
क्वेश्चन नंबर E9 जो है वो आपका है 12, है ना। देखो तो आपकी बुक से अगर आपको पढ़ाऊंगा तो आपको आसानी आएगी, ये नोट कर लेना। E9 को अगर हम लेते हैं अब, किसको E9 को, ठीक है। देखो बहुत आसान है, वैसे ही सेम कंसेप्ट है कि E है और 9 है। अब इनकी पोजिशन वैल्यू पहले अभी ऐसा है तो इनको दूर दूर कर लो, ये E इधर भाई 9 इधर, दूर होगा ठीक है। और 16 पावर 0 16 पावर 1। अब देखो E क्या है, E का मतलब होता है 14, तो इसको हम रिप्लेस कर लें, इसको जो रिप्लेस कर लेते हैं 14। सिंपली आपको करना कुछ है ही नहीं, 14 into 16 की पावर 1 plus 9 की पावर 0 डस्टर जो है खराब हो रहा है आजकल, तो 9 into 16 की पावर 0 सिंपली ऐड कर दो आप 14 into 16 plus 9 into 1, बिकॉज किसी नंबर की पावर जो 0 है उसको होती है 1 के बराबर। अब हम आ जाएंगे और हम करेंगे अपना, अब हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे और आप लोग अपने बुद्धि का इस्तेमाल करिए, ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 14 into 16 ये होता है हमारा 224 plus 9, तो आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, इतना तो हमको भी आता है। तो हम क्या करेंगे, इसका आंसर 233 है ना, बिकॉज 6 3 9 होता है। हाँ भाई, तो ये लो, बेस लगाना मत भूल जाना, बेस लगा दे सारा गेम तुम्हारा गड़बड़ हो जाएगा। क्या तुमको बात समझ में आ रही है भैया? हमको बात समझ में आ रही है। अब भैया वो आप ये तो करा दिए इंटीजर वाले करें, चलो अब सॉरी इंटीजर नहीं डेसिमल वाले करते हैं। अब एक काम करता हूँ, नया सवाल मैं खुद से बनाऊंगा और आप लोगों को करके दिखाता हूँ कि कैसे करेंगे, ठीक है। सिंपली आपको सवाल दिएगा, एक और सवाल ले लेता हूँ मैं, उसमें कुछ ऐड कर दूंगा अपनी तरफ से, A6 ले लेता हूँ, चलो ठीक है। हम क्या करते हैं कि A6 point B ले लूँ, चलो B ले लेता हूँ कुछ। इसको हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल के अंदर, सिंपली क्या करो, A6 डेसिमल ये बीच में और ये B, ठीक है। सिंपल अप्रोच क्या है, 16 की पावर 0 16 की पावर 1, और जब हम डेसिमल से राइट जाएंगे तो पावर कैसी होती है, नेगेटिव होती है, ये मैंने पढ़ाया हुआ है, मानता हूँ कि तुम्हें आता है एटलीस्ट इतना। तो हमें क्या करना है, A और B को एक्चुअल वैल्यू से रिप्लेस कर लो, ठीक है। देखो B को मिटा लेंगे हम और A को मिटा लेंगे, A होता है हमारा 10, B होता है हमारा 11, कोई दिक्कत नहीं है भैया। सो 10 into 16 plus 6 into 16 पावर 0 16 पावर 0 क्या होती है 1, तो इसको हटा दो यहाँ से, चलो 1 कर लिया सिंपल और आसान, प्लस 11 into 16 की पावर -1, किसी नंबर की पावर अगर -1 है तो उसका मतलब होता है कि 1 upon उस पर पावर। अब यहाँ तो 1 थी तो 16 की पावर 1 हो गई, अगर 16 की पावर -2 होता है इसका मतलब 1 upon 16 का स्क्वायर, 16 की पावर अगर -3 है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 1 upon 16 की पावर 16 का क्यूब, बात समझे? हाँ भैया बात समझ गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 1 upon 16, और इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो सकता है कि देखो मैं आपको बताऊं, 11 into 1 upon 16 को मैसेज लिख दें 11 upon 16, कोई दिक्कत भैया? कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया 160 प्लस, ये हो गया 6, इसको अगर हम डिवाइड कर लें, फिर चलूँगा कैलकुलेटर के पास और आप लोग करो इसको, तो ये हो जाएगा 11 divided by 16, ये आ रहा है 0.68, दो डेसिमल तक लूँगा मैं सिर्फ, और साथ में हम लोग कर देंगे ऐड, तो 166.68, और साथ में क्या लगाना नहीं भूलना है हमको, डेसिमल। और अब अगर मैं चेक करना चाहूँ खुद से कि मैंने आंसर सही निकाला नहीं निकाला, तो एक चीज़ देख लो, इसमें कोई ऐसा डिजिट नहीं आना चाहिए जो कि डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर होना नहीं चाहिए, सारे वही डिजिट्स आए हैं जो डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर हैं, और ये आंसर बिल्कुल सही है। आप लोग बताना कि मैंने सही करा है नहीं करा, मैंने आपके सामने क्वेश्चन फॉर्म किया, आप लोगों को सॉल्व करके दिखाया। साथ में आप लोगों से बोलना चाहूंगा यार, इतने अच्छे वीडियोस आपको मिल रहे हैं, टाइम टू टाइम मिल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ ना, उससे अच्छा आपको पढ़ा के दिखा दे तो फिर बात करेंगे इस चीज के ऊपर। मेरा तो मिशन था आप लोगों को फ्री में इसलिए पढ़ाने का था कि पहले देखो तो यार कि पढ़ाई होती कैसे है। क्या करना है, देखो बाइनरी से हम कन्वर्ट करेंगे आंसर डेसिमल में, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज मैंने हमेशा बोला है कि बेस। आज हम बात करेंगे रेडिक्स के बारे में, मैंने एक चीज तुमको बता रखी है कि बेस और रेडिक्स का मतलब क्या होता है सेम। ये मैं सोच रहा हूँ कि भैया ये नया क्या लिख दिया है आपने, और इसको थोड़ा सा मैंने पहले से लिख लिया है ताकि तुम्हारा टाइम बच जाए। हेक्साडेसिमल का जो रेडिक्स बेस होता है वो 16 होता है, बाइनरी का जो बेस होता है वो होता है 2। बात इतनी सी क्लियर है, क्लियर है। सबसे पहले हम एक काम करेंगे कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की मैंने
यहाँ पर नंबर्स लिखे हुए हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ए बी सी डी ई एफ। अब इनका तो एबीसीडी का मतलब बेसिकली होता है 10 और ये 11, ये हो गया 12, 13, 14 और ये 15। यहाँ तक बात क्लियर? बट हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में एबीसीडी को यूज करते हैं। अब क्या यार, बाइनरी में तो सिर्फ दो ही चीजें हमारे पास, एक है जीरो, दूसरा हमारे पास वन है। सो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब मैं आपको एक चीज सिखाऊंगा, बहुत ध्यान से सीखनी है, पहले ही बता चुका हूँ, बट अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पर अगर हम जीरो, मान लो हमारे पास 001 है और 001 को अगर हम दो बार ऐड करते हैं, ठीक है, मान लेता हूँ, मेरा सिर्फ समझाने का मतलब ये है, अगर हम 1 को ऐड करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, देखो नॉर्मल मैथमेटिक्स में अगर आप 1 और 1 अगर आप ऐड करोगे, 1 प्लस 1 करोगे तो 2 होता है, बट बाइनरी एडिशन में ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर 1 प्लस 1 को हम 10 लिखेंगे तो इसका आंसर आएगा 010। अभी कैसे आया ये आपको बता दूँगा, 1 प्लस 1 को 10 मानोगे तो इसका 0 तो ये आ गया और यहाँ आ जाएगा 1, तो 100 क्या 1 ही आएगा, ठीक है, ये बात समझ में आई? हाँ भैया, इतनी बात समझ में आ गई। अब इतनी बात समझने के बाद सबसे पहले हम कन्वर्ट करते हैं, और इससे पहली वीडियो में जब हमने कन्वर्ट किया था ऑक्टल से बाइनरी वाले, तो हमने 3 डिजिट के लिए कन्वर्ट किया था, बट यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये 2^4 = 16 है, ठीक है, हेक्साडेसिमल, तो इस वजह से हम यहाँ पर चार चार बाइट्स को लेके चलेंगे। आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी, देखो कैसे करना है इनको। जीरो को बाइनरी सिस्टम में हम क्या लिखते हैं, जीरो लिखते हैं तो 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब अगर हमको 1 यानी कि इसके बाद तो हम इसमें अगर एक और ऐड करेंगे, तो अगर हम यहाँ से 1 + 1 कर दें तो ये देखो लास्ट वाले डिजिट में 0 + 1 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 0001, ओके। अब अगर हम यहाँ से एक और प्लस करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, मैं आपको एक चीज़ अभी अभी बताई थी कि अगर हम 0001 में एक और ऐड कर दें तो 1 और 1 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है, बात समझ रहे हो, 1 1 10, तो इसका 0 है, कैरी यहाँ पे आ जाएगी, 1 और 0 1 ही होता है, ओके। सो ये हो जाएगा हमारा कितना, 0010, समझ रहे हो आप लोग? हाँ भैया समझ में आ रहा है, काफ़ी मज़ा आ रहा है, मज़ा बिल्कुल आ रहा है कि मैं पढ़ा रहा हूँ। अब देखो नंबर 3 का क्या होगा, 0011, 4 का क्या होगा, 0100, 5 का होगा 0101, 6 का क्या होगा, 0110, ठीक है, ध्यान से हमको ये करना है ये चीज़। 7 का होगा 0111, 8 का होगा 1000, 9 का होगा 1001, ठीक है। क्या हमने कोई गलती करी है यहाँ पर? जी हमने अभी कोई गलती नहीं करी है। अगर हम अब 10 का निकालें, देखो A का मतलब कि हम 10 का निकाल रहे हैं, तो 10 का हमारे पास हो जाएगा 1010। अगर आपको ये चीज़ एक बार में आ गई तो आप बड़े आराम से कन्वर्ट कर पाओगे। 11 का होगा 1011, 12 का होगा 1100। भैया आप इतना फास्ट कैसे कर ले रहे हो? फास्ट में इसलिए कर ले रहा हूँ बिकॉज मुझको ये चीज़ अच्छे से पता है कि क्या कैसे ऐड करना है। आपको एडिशन वाला कंसेप्ट अगर क्लियर है तो आप बड़े आराम से ये चीज़ कर पाओगे। अब इसका होगा 1101 और 111, सॉरी एक सेकंड रुकिए आप, अब इसका आएगा 1110 और इसका 1111, ठीक है, बस यहाँ पर ये होता है समाप्त। अब हमें क्या चीज़ करनी है, हम यहाँ से एग्जांपल लेंगे और सॉल्व करूँगा मैं आप लोगों के सामने। तो एक काम करता हूँ मैं, इन सभी को एक साइड से लिख लिया जाए जिससे कि आप लोगों का टाइम बच जाएगा, है ना, हाँ मैं यही चीज़ करता हूँ, ठीक है। सो फुर्ती से मैं फिर इन सभी को लिख लेता हूँ बिकॉज, तो मैं एक काम करता हूँ जल्दी से लिख लेता हूँ, ठीक है, ए का है, डी और ई और एफ, ठीक है, और ये हमारे पास ऊपर लिखा ही हुआ है, तो हमें इतनी एरिया मिल गई है। चलो हमें सिंपली करना क्या है, कोई भी रेंडम मैं आपको एग्जांपल लूंगा, मान लो मेरे पास सवाल आया है कि हमको बाइनरी है तो पहले बाइनरी नंबर होना चाहिए, यानी कि हमको बेस 2 को कन्वर्ट करना है किसमें, बेस 16 में, तो क्या करना है हमको, देखो मेरे पास है 1011 01 10, ठीक है, 10, ओके। अब देखो इनमें से कोई ना कोई नंबर जरूर होगा, हमें क्या करना है, सबसे पहले पीछे से 4 के पेयर बनाने, हमें चलना है डेसिमल पॉइंट, तो इधर से ये डेसिमल मान लो, अगर इसके बाद में कुछ नहीं दिया मतलब ये डेसिमल है, हमको यहाँ से इधर चलना है कि सिर्फ इधर चलना है, ठीक है, और हमें कितना 4 के पेयर बनाने हैं,
तो एक हमारा पेयर ये हो गया, एक हमारा पेयर ये हो गया। अब यहाँ देखो कम पड़ रहा है तो हम स्टार्टिंग में जीरो ऐड कर लेंगे। हमारे पास कितने पेयर बन गए, तीन पेयर बन गए। पेयर हमारे पास कौन कौन से बने, पेयर देख लो आप, 0101 और हमारे पास, एक सेकंड के लिए मैंने पेयर ये तीन का पेयर बना दिया यार, एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा गलती हो गया स्टूडेंट्स। हमारे पास चार सौ का पेयर बनाना था ना, चार का ये, तो एक दो तीन चार, एक पेयर ये हो जाएगा, यहाँ पे एक और वाला ऐड कर लो आप, ठीक है, तो ऐसे बन जाएगा। ठीक, अब हमारे पास पहला पेयर क्या हुआ, थोड़ा गड़बड़ हो गया, बेकार, कोई बात नहीं यार, बिकॉज मैं वहाँ से ऐड दिखा दूँ तो फिर वो एग्जैक्ट होता है, बट आपके अपने मन से आपको बता दे रहा हूँ। 0010 एक हो गया पेयर, दूसरा हो गया 1101 एक पेयर हो गया, और 0110 एक पेयर हो गया हमारा, ठीक है। अब आप लोगों को इनकी वैल्यू चेक करनी है कि 0010 वैल्यू देखो 2 की है, तो ये तो हमारा 2 हो गया, और 1101 देखो किसकी वैल्यू है, 1101 यानी ये डी की वैल्यू है, तो ये डी हो गया। और ये क्या है, 0110, तो ये होगा हमारा 6 से मैच कर रहा है ये, तो ये हमारा कन्वर्जन क्या हुआ। देखो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे, 0010 1101 और 0110 टू द बेस 2 इज कन्वर्टेड इनटू 2d6 इनटू बेस 16। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा, अगर तुम्हें नहीं समझ में आया तो एक काम करता हूँ, चलो फिर से हम एक और एग्जांपल सॉल्व करेंगे, इसके आपको काफ़ी एग्जांपल सॉल्व करके दिखाऊंगा। हो सकता है थोड़ा आप लोगों को ये डिफिकल्ट लग रही हो ये वाली चीज़, बट डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसानी समझो। चलो मैं एक काम करते हैं, देखो मैं नंबर जो है देख नहीं रहा हूँ किसका क्या, मैं अपनी मर्जी से करता हूँ, ठीक है। 1001 1010 1102 तो नहीं आया यार, बिकॉज बाइनरी है ना, तो 01 अपनी मर्जी से मैंने थोड़ा नंबर लिख लिया, ठीक है, अपने हिसाब से मैं रेंडमाइजेशन आया। और मैं चार साल के पेयर बनाने हैं, तो एक पेयर हमारा ये हो गया है ना। एक काम करता हूँ मैं आपके लिए, कलर चेंज कर देता हूँ, आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है, ब्लैक ब्लैक समझ नहीं आ रहा होगा। एक पेयर हमारा ये बन गया, दूसरा पेयर हमारा ये बन गया, तीसरा पेयर हमारा ये बन गया, ठीक है, सब चार चार का पेयर हो गए। अब जो बच रहा है, क्या बच रहा है हमारा, वन बच रहा है, तो इसके आगे हम तीन जीरो लगा देंगे, ठीक है, क्या करेंगे हम तीन जीरो में ऐड करेंगे और इसको भी एक पेयर बना देंगे, ओके। अब हम सिंपली चेक करना है वैल्यूज किस किस की है, ये जो चार पेयर वैल्यू बनाई किसकी वैल्यू है, 001 एक पेयर बना तो ये वन की वैल्यू है, ठीक है। अब 0011 ये वैल्यू हमारी थ्री की है, ठीक है, और 0110 ये वैल्यू सिक्स की है, ठीक है, साथ में 1101 देखो 1101 तो ये हमारा डी आ गया, देखो 1101। सो क्या था हमारा क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन था, अब हम इसको ऐसे लिखेंगे या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो कि वन की क्वेश्चन इतना दिया गया था, तो 110 और 1101, ठीक है, बेस टू चेक कर लूँ सही है, वरना आप लोग कमेंट करो भैया गलत करा दिया आपने, है ना, 110 110, ठीक है, सही है। बेस टू क्या हो गया, 1 3 6 d बेस 16, ये हो गया कन्वर्ट आपका, ठीक है, किसमें, बाइनरी से हेक्साडेसिमल में हम ऐसे कन्वर्जन करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे सारे, आज की इस वीडियो में करने वाले हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में उल्टा किया था, उससे बिल्कुल उल्टा करेंगे, और यार ये वाला जो चीज़ है ना बहुत ज़्यादा आसान है। अब ये आसान तब बनेगी जब आपको ये इनका ये इस चीज़ के बारे में पता होगा जो मैंने नीचे लिख रखा है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हेक्साडेसिमल और बाइनरी का हम बेस देख लेते हैं। हेक्साडेसिमल का बेस होता है हमारा 16 और बाइनरी का बेस होता है 2, ओके, ठीक है। अब हम ये समझ देते हैं कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर क्या क्या मौजूद होता है, यानी कि इसके अंदर जीरो से लेकर एफ तक होता है, ठीक है। तो मैंने इधर देख रखा है, मैं इधर हट जाता हूँ, एक काम करता हूँ, आपको आप समझ में आएगा। देखो ए बी सी डी ई एफ, ये मैंने आपको बताया कि कैसे निकालते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आया फिर से आपको बता देता हूँ। यहाँ पे एक रूल लगता है, रूल बहुत आसान है, रूल ये है कि देखो आया एरोप्लेन आ गया फिर से, मैंने बताया आते हैं बहुत एरोप्लेन आते हैं यार, ठीक है। अभी आप लोग बिलीव नहीं करो कि अभी मेरे को जो टाइम हो रहा है आप लोगों के लिए शूट करते करते 11 हो रहा है, सारी वीडियो रात में शूट करता हूँ यार आप लोगों के लिए। सो अब देखो 0001 में अगर हम 1 ऐड करेंगे तो नॉर्मल मैथमेटिक्स हमारी क्या बोलती है कि ये 1+1 2 हो जाएगा। अगर हम 002 कर देंगे तो ये गलत है, क्योंकि बाइनरी के अंदर 0 और 1 ही मौजूद होता है। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा 1 और 1 10 होता है,
यानी कि हमारा आंसर आएगा 001+1 आएगा जो 10 आएगा, 00। अब ये कैसे आएगा ये समझा देता हूँ, देखो बड़ा बड़ा लिख देता हूँ आपको इससे अच्छे समझ में आ जाए। प्लस वन देखो, वन और वन टेन हो रहा है, ठीक है, तो इसका जीरो यहाँ आएगा और इसकी जो कैरी वो यहाँ आएगी। वन और जीरो क्या होता है, वन होता है, ठीक है, बात समझ में आई। हाँ भैया ये बात समझ में आ गई। अब अगर तुम्हें इतना समझ में आ गया तो हम मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने पिछली वीडियो आपको समझाया था, उम्मीद करता हूँ पिछली वीडियो आपने देखी होगी, तो वहां से मैंने ये लिखा हुआ है। देखो जीरो को बाइनरी में हम बोलते हैं 00, वन का ये है, टू का ये है, 3, 4, 5, 6, 9 तक यहाँ लिखा हुआ है, बाकी आप देख सकते हो ABCDEF तक ये लिखा हुआ है। अब हम सॉल्व करेंगे, बिल्कुल आसान चीज है, बिल्कुल आसान चीज है ये, तो हमें सिंपली क्या करना है, एग्जांपल लूंगा, अपने मन से कुछ भी उठाऊंगा। मैं ले लेता हूँ मान लो 3DF6 मैंने उठाया, मैं चाहता हूँ इसको आप कन्वर्ट कर दो बाइनरी के अंदर। हमेशा ये चीज याद रखना कि अगर आपने बेस नहीं लिखा तो आपके गुरु जी या टीचर जब आपके नंबर काटे जा सकते हैं। तो यार हम ऐसा काम क्यों ही करें कि हमारे नंबर कटे, हमने आंसर भी निकाल लिया और टू के चक्कर में हमारे नंबर गायब हो गए, तो ये चीज़ तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे। चलो भैया आप ये कराओ, देखो भाई साहब तो यहाँ ऐसा है कि थ्री है, ये डी है, ये एफ है, ये सिक्स है। सिंपली अब हर एक का जो बाइनरी कन्वर्ट, बाइनरी में जो उनको बोलते हैं यानी बाइनरी में कन्वर्ट करें वो आप नीचे लिख दो। थ्री का होता है 0011, डी का मतलब होता है कितना, ये डी का हमारा ये रहा, यानी कि ये होता है हमारा 10, ये 11, ये 12, 13, 14, 15, यानी डी का मतलब होता है हमारा 13, ओके। सो डी को हम लोग यहाँ लिख देंगे 1101। एफ का मतलब क्या होता है, 15 में यानी कि सारा 1 होता है। 6 का आप देखो 0110, तो बस हमको इनको जोड़ के साथ में लिख देना और ध्यान रखना ही गलत मत कर देना, 1111011111 और 0110 और ये रहा हमारा 2, ठीक है। कहते ही बात समझ में आई, ये बिल्कुल ही आसान है, बिल्कुल, बिकॉज अभी तक आप लोग इस सारी चीज़ें पढ़ चुके हो तो अब तुमको लग रही है चीज़ें आसान। चलो अब हम एक काम करते हैं, हम आपको कुछ और एग्जांपल के थ्रू बताते हैं, फिर से मैं कुछ भी उठा लेता हूँ अपने मन से, है ना। एक काम करता हूँ इस बार, बहुत खतरनाक उठाऊंगा इस बार, मैं उठाऊंगा आप लोगों के लिए ABC, ठीक है, ABCE6 खुश 8, लो इतना बड़ा नंबर ले लिया मैंने, 16 में कन्वर्ट करना है बेस 2 में, ओके। अब देखो क्या करेंगे हम, सिंपली हम जो A का कोड होगा ना, देखो इसको आज उर्दू लिख लेते हैं कि ABCDE, सब पढ़ा लोगे यार, ABCD है ना, 6 और 8। A का कोड क्या है देखो 1010, B का कोड क्या होगा 1011, C का होगा 1100, D का होगा 1101 और फिर E का होगा हमारे पास, E का होगा 1110, बात सही है, हाँ बिल्कुल सही लिखा है। 6 का देखो क्या है, 6 का है हमारे पास 0110, ठीक है, तो 8 का क्या होगा, 8 का है 1000, ठीक है। सो अब देखो अब हमें क्या करना है, सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, अब जैसे लिखे ना इनको एक साथ क्लिक देना है बस, यानी कि आपका जो आंसर है वैसे काफ़ी बड़ा नंबर ले लिया यार मैंने, तो बस एग्जाम्पल के लिए आपको समझा रहा था, मेन चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। देखो 1010 1011 1100 1110 1110, चलो ये इतना बड़ा नंबर निकल गया है। उम्मीद करता हूँ कि तुमको हेक्साडेसिमल ऐसे वहां से बाइनरी, अब तुम रात को 2 बजे भी तुमसे पूछा है तब भी बता दोगे, बड़ा आसान हो गया है। आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बाइनरी एडिशन। देखो बाइनरी एडिशन में क्या है, कुछ केसेस हैं, सो हम शुरू करते हैं यहाँ से, और अब वीडियो आपको रेगुलर मिल रही हैं, ठीक है, क्योंकि अभी तक क्या था, अभी तक आज तो देखो जैसे ही आज बारिश हो रही है, जब से बारिश हो रही है तब से पावर कट आउट बहुत हो रहा है, आप शटर में थोड़ा सा और अपना अच्छा किया, अब आपको थोड़ा सा और अच्छी से क्वालिटी मिलेगी, तो अच्छी क्वालिटी के लिए एक बार लाइक ज़रूर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है। जो भी स्टूडेंट्स नए हैं सबको बता देता हूँ, मेरा नाम विशाल कुमार है, मैं आप सभी को इस चैनल पर कंप्यूटर साइंस पढ़ाता हूँ। अब देखो बाइनरी एडिशन बेसिकली होता क्या है, भैया आप मतलब हमको एडिशन पढ़ाने वाले हो, हाँ यार एडिशन पढ़ाना तो पड़ेगा ही, ठीक है, क्योंकि अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो फिर हम तो पढ़ाएंगे ही। देखो तो एडिशन क्या होता है बेसिकली, यार किसी भी दो नंबर को हम जो ऐड करते हैं उसको एडिशन है, बट यहाँ पर हम क्या बाइनरी को ऐड करेंगे, किसको ऐड कर रहे हैं, बाइनरी को। बाइनरी में क्या होता है, 0 और सिर्फ 1 होता है, ठीक है। अब इसके बारे में आपको बता भी चुका हूँ एक बार, बट आपको दोबारा समझा देता हूँ।
यहां पर चार केस होते हैं, ठीक है ओके। अब वो क्या होता है देखो, केस वन क्या है, केस टू, केस थ्री और केस फोर। अब जो केस फोर होगा ना, केस फोर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस ओके। केस वन क्या है कि अगर एक वैल्यू जीरो है और एक वैल्यू वन है, ठीक है, पहली वैल्यू हमारी जीरो है, दूसरी वैल्यू हमारी है वन, तो इसका आंसर क्या होगा, ठीक है बात क्लियर है। अब अगर आप लोगों ने इलेवेंथ बेसिक क्लियर हो तो आप ये सोचो कि जब एक वैल्यू जीरो का मतलब होता है फॉल्स और एक का होता है ट्रू, और अगर हम उस सेंस से भी समझें तो इसका आंसर क्या होगा, जब एक कंडीशन ट्रू हो जाती है मतलब कि ट्रू हो जाता है, तो इसका आंसर होगा वन, ठीक है। एक हमारे पास दूसरा केस है कि हमारे पास अगर पहली वैल्यू भी जीरो है, दूसरी वैल्यू हमारे पास जीरो है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा भाई तो ये दोनों जीरो ऐसी बात जीरो, ठीक है बहुत अच्छा। तीसरा केस क्या है कि हम मान लेते हैं पहली वैल्यू वन है और दूसरी वैल्यू हमने जीरो कर दी, तो रिजल्ट हमारा सेम ही रहेगा ओके। बट मैंने ऐसा ही कहा था कि फोर्थ केस जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है। अगर आप वन और वन प्लस करोगे, ठीक है, अगर आप वन और वन प्लस करोगे तो आपका जो रिजल्ट, अब यहां पे अगर हम वन प्लस वन प्लस वन कर देते हैं, एक और केस बनेगा देखो, केस फाइव। केस फाइव में क्या होगा कि अगर वन प्लस वन और प्लस वन तो ये इलेवन हो रहा है, बेसिकली इलेवन नहीं है और ये वन टेन नहीं है। देखो यहाँ पे क्या है, एक हमने कंसेप्ट पढ़ा था, अगर मान लो हम क्या करते हैं वन प्लस वन करते हैं इस तरीके से, तो ये क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, ठीक है टू हो जाएगा ओके, बिल्कुल सही बात है। अगर यहाँ पर हम नाइन और एट को ऐड करें तो क्या होगा, नाइन एट कितना होता है सेवनटीन, तो सेवन तो नीचे रह जाएगा और वन हमारा ये कैरी में चला जाता है ना, मान लो यहाँ पर वन था तो ये कैरी फॉरवर्ड हो जाता है ना। सेम चीज़ यहाँ पर है कि जो वन है ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, यानी कि अगर मैं बताऊँ देखो जीरो वन प्लस अगर हम वन कर रहे हैं तो क्या होगा, देखो वन और वन तो टेन होता है, सो ये जीरो इधर और ये कैरी फॉरवर्ड वन यहाँ पर होगा, ठीक है। अब वन प्लस जीरो, देखो वन प्लस जीरो क्या होगा, वन होगा ओके बात समझे। अब ऐसे ही केस फाइव आपको समझाता हूँ, देखो केस फाइव का मतलब क्या था कि अगर हम वन वन प्लस वन कर दें, ठीक है, तो यहां से आपको समझ में आएगा इलेवन देखो कैसे रही है। अब देखो वन और वन क्या होगा, वन और वन क्या होगा, वन वन टेन होगा, ठीक है, यहां से वन वन टेन होगा तो ये जीरो और यहां पे क्या ये कैरी फॉरवर्ड में वन जाएगा, बट नीचे कुछ है नहीं तो ये हंड्रेड ऐसे आ जाता है। अब मान लो कि आपको ये तीन भैया कहोगे भैया ये तो यहाँ पे नहीं हुआ है, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखो हमने दो नंबर को ऐड किया तो इसका सम ये आया, ठीक है, इसमें हम एक नंबर और ऐड कर देते हैं, प्लस वन कर देता हूँ मैं। जीरो और वन को ऐड करो क्या होगा, जीरो वन को ऐड करो वन होगा, वन तो ऐसा का ऐसा आ जाएगा। देखो इलेवन आ गया आप लोगों के सामने, आया हाँ भैया आ तो गया है, बहुत बढ़िया। अभी अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम, और उसके बाद हम जो हमारे अगले टॉपिक्स हैं उसकी तरफ प्रोसीड कर रहे होंगे। एग्जाम्पल दिया गया है कि बाइनरी एडिशन का एग्जाम्पल उठा लिया जाए। देखो इसमें एक और टॉपिक आपको दिया गया है जो आपका टॉपिक है डेसिमल एडिशन। अब देखो डेसिमल एडिशन में सिंपली क्या है कि इसमें बात करी गई है आपकी, देखो डेसिमल एडिशन ये हमारा नॉर्मल एडिशन होता है, मैं आपको जो हम बचपन से करते आ रहे हैं। देखो इसमें एग्जांपल दिया गया है 15 प्लस 27, तो डेसिमल एडिशन हमारा नॉर्मल एडिशन होता है, ठीक है, 5 7 12 हो जाएगा यहाँ पे, और 2 और 2 1 1 4 42 ओके। तो ये कंसेप्ट यार समझ में तुमको, मतलब इतना मैथमेटिक्स तो आपको आती होगी, इतना मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूँ। चलो हम अपना एग्जाम्पल उठा लेते हैं कोई सा भी, अब एग्जाम्पल उठाता हूँ देखो बहुत ध्यान से।
हम क्या करेंगे एग्जाम्पल के तौर पर, हम जीरो से लेकर के पूरा कहाँ तक का, एट तक का चलो हम बाइनरी डिजिट लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं नंबर डाल लेता हूँ कि 0, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7 और 8, ओके, कि अब आप लोगों को पता है। तो अब मैं क्या करूँगा, देखो जीरो का जीरो होता है, मैं एक काम करता हूँ इसको थ्री डिजिट में लिखता हूँ, ठीक है। और जब जीरो से एट लिखा जाता है, एक काम करता हूँ यार ऑक्टल नंबर का ही लिख देता हूँ, ठीक है, सेवन तक ही होता है। अब क्या होगा देखो, सबसे पहला एडिशन कहाँ होगा, 0, 0, 0 प्लस 1, ओके। तो पहला केस क्या रहेगा देखो, 0 प्लस 1, तो 0 प्लस 1 केस नंबर 1 हमारा, क्या होगा इसका आंसर 1 और 0, 0, ठीक है, ये हो गया। किसका हो गया, ये 1 का हो गया। अब इसमें अगर हम एक और ऐड करेंगे, हम यहाँ एक और ऐड कर देते हैं, तो अब देखो 1 प्लस 1 क्या है, 1 प्लस 1 10 है, यानी कि ये 1 जो है ये 1 जाएगा कैरी में, सी में जाएगा, और ये जो 0 वो नीचे रह जाएगा। तो अगर हम यहाँ से इसको देखें, 0 नीचे रह गया और ये 1 चला गया कैरी में, ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा 1 प्लस 0। अब इस पर आ जाओ आप, 1 प्लस 0 क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, और 0 के नीचे कुछ था ही नहीं, ओके। आपके सामने देखो मैं बना रहा हूँ 0, 1, 0, ये हो गया 2 का। अब हम फिर से एक और इसमें ऐड करते हैं, तो ये क्या बनेगा 0 प्लस 1। आप चेक करो पहला केस, 0 प्लस 1 इक्वल्स टू क्या होता है 1, और 1 के नीचे कुछ था ही नहीं, तो 1, 1, सॉरी 0। अब ये किसका हो गया, ये हो गया हमारा 3 का। आप लोगों को मैं कई बार एक बार ये बता भी चुका हूँ, तो आप वहाँ से मैच भी कर सकते हो, बाकी अगर आपको याद है तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। साथ में इससे बेस्ट एग्जाम्पल मुझे कुछ लगा नहीं, तो मैंने कहा आपको यही बता दिया जाए। अब देखो यहाँ अपना ये वाला केस यूज होने वाला है 4 केस, ठीक है। यहाँ क्या होगा देखो, 1 प्लस 1 क्या है कि 1 जाएगा कैरी में, 0 नीचे आएगा, देखो तो 1 प्लस 1 0 आया नीचे और ये 1 गया इधर हमारा कैरी में, इसको हम ऐसे कर लेते हैं, 1 कैरी में गया, फिर से 1 प्लस 1 कितना हुआ 10, तो ये 0 इधर गया और 1 कैरी में, और 1 प्लस 0 इक्वल टू 1, तो ये हो गया 100, ठीक है। और करता हूँ फिर से एक 1 ऐड करता हूँ मैं, तो कितना होगा ये 1, 0, 1, 1, 0, 1, एक और ऐड कर दो, फिर सिमिलर वही केस, 1, 1, 10, 0, और ऐसे कैरी 1, 0 और 1, 1, और ये 1 इधर, सो 1, 1, 0। आप एक और ऐड कर दो, कितना होगा ये 1, 1, 1। तो ये है जो हमारे ऑक्टल नंबर सिस्टम है उसका बाइनरी में रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। यहाँ से हमने देखो हमारा कंसेप्ट भी क्लियर कर लिया, और हम कैसे कन्वर्ट करते हैं ना, हमने ये चीज़ भी सीख लिया। हेलो बच्चों, कैसे हो सारे सारे, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करेक्टर या स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन की, जो कि हमारा अब लास्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 का, ठीक है। अब देखो पहले ये समझो कि एक करेक्टर और स्ट्रिंग में डिफरेंस क्या होता है। एक करेक्टर जो है वो सिंपली क्या, एक लेटर हमारा क्या है, हम इसको बोलते हैं एक करेक्टर, ठीक है। लाइक अगर हमारा ये ए है, ये ए, तो ये हमारा क्या एक करेक्टर है, अगर बी है ये हमारा करेक्टर हो गया। अब एक स्ट्रिंग क्या होती है, एक स्ट्रिंग होता है एक ग्रुप ऑफ करेक्टर्स, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर एक स्ट्रिंग की, सो एक स्ट्रिंग क्या है, एक स्ट्रिंग है ग्रुप ऑफ करेक्टर्स। सो अगर आपको बैकग्राउंड के पटाखे की आवाज़ आ रही हो, सो उसके लिए सॉरी, बिकॉज दिवाली में अभी टाइम है, लेकिन बच्चे जो बाहर के हैं वो शुरू हो गए हैं पटाखे के लिए, ठीक है। कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ना आवाज़ आए, बट फिर भी ठीक है। तो स्ट्रिंग या ग्रुप ऑफ करेक्टर्स होता है। अब बात आती है इनकी रिप्रेजेंटेशन की, किसकी बात आएगी, रिप्रेजेंटेशन की, ठीक है। अब देखो क्या है रिप्रेजेंटेशन के, यहाँ पर मैं आपको दो टॉपिक आपके रिप्रेजेंटेशन के अंदर रहने वाले हैं। पहला रहेगा ASCII कोड, क्या है पहला, ASCII कोड, ASCII। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि सबसे पहले आपको ASCII का जो फुल फॉर्म है वो आपको याद करना है। इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर
फॉर इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये तो बात हो गई देखो फुल फॉर्म की कि एसकी का फुल फॉर्म क्या है, बट अब ये समझो कि एसकी बेसिकली है क्या। देखो आपकी किताब में अगर मैं आपकी बुक में बात करूं तो आपको एक टेबल दी गई होगी, आपको कुछ ऐसी टेबल मिल जाएगी कि किस करेक्टर का क्या 7-bit एसकी कोड है, क्या डेसिमल में वो बोलते हैं, क्या ऑक्टल में, और क्या उसको हेक्सल में बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको समझना है कि जो भी हमारे नॉर्मल ए बी सी डी हैं, ठीक है, यानी कि जो भी हमारा करेक्टर सेट है, जो मैंने आपको बताया सबसे स्टार्टिंग में पढ़ाया था कि हर लैंग्वेज का करेक्टर सेट होता है, तो उसमें हर एक करेक्टर का ईच करेक्टर हैज इट्स कोड, ठीक है, ईच करेक्टर हैज इट्स कोड। अब क्या होता है कि सब करेक्टर का अपना कोड है, तो जब आप क्या टाइप करते हैं, हम एक करेक्टर को टाइप करते हैं, बट हमारा कंप्यूटर क्या समझता है, हमारा कंप्यूटर उस कोड को समझता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको मैं बता देता हूँ कि आपको जो याद करने आपका ये काम आएंगे, कैपिटल ए का जो एस्की कोड है वो है 65, ठीक है, कैपिटल ए 65 से शुरू होता है, स्मॉल ए आपका शुरू होता है 97 से, ठीक है। अब आप यहाँ से निकाल सकते हो बिकॉज आगे हम ऐसे प्रोग्राम बनाएंगे जब मैं आपको पाइथन पढ़ाऊंगा कि हम उससे हम अगर यहाँ से उससे बोलते हैं कि भाई आप एक करेक्टर एंटर करेंगे हम और एस्की कोड आउटपुट में हमको चाहिए होगा, या फिर हम एस्की कोड एंटर करेंगे और हमको इसका करेक्टर चाहिए होगा, ठीक है, यानी कि वाइस वर्सा भी यहाँ पे कर लेंगे। तो ये बात हो गई एस्की कोड के बारे में, ठीक है, जो कि अभी इम्पोर्टेंट बातें हैं। अब यहाँ से मैं आपको एक और हमारा टॉपिक बचता है वो है, अब एस्की कोड था तो फिर IS, दूसरा टॉपिक हमारा ISCII कोड। अब भैया ये क्या है, देखो ये भी आप समझ लो, ओके, इसका देखो फुल फॉर्म देखो, इसका फुल फॉर्म है इंडियन आई फॉर इंडियन स्क्रिप्ट, इंडियन स्क्रिप्ट कोड, कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अब जैसे कि आपका वो था क्या कि लाइक वाइज जैसा हमारा एसकी कोड था तो ऐसे ही क्या था अमेरिकन का था, अब सेम चीज़ क्या है इंडियंस की है। अब हम इंडियन देखो इसकी मदद से हम करते क्या है, होता आपका ये भी 7-bit का है और वो भी आपका 7-bit का होता है, इसके अंदर से जो हमारी रीजनल लैंग्वेजेस होती हैं ना हम उनको भी कंप्यूटर में टाइप कर सकते हैं। जैसे कि हमारी जो आपको दो आपके एग्जाम्पल हैं बंगाली और देवनागरी, इसमें दो एग्जाम्पल रहेंगे क्या, जैसे एसकी में क्या था कि हमारे जो ए बी सी डी करेक्टर सेट था वो हम अपना प्रोग्रामिंग के अंदर उसको इनपुट ऐसा इनपुट और उसको यूज़ कर पा रहे थे, बट यहाँ पर ICII कोड की हेल्प से हमारे पास जो देवनागरी है, ठीक है, देवनागरी का एक हमारा है ISCII कोड, स्क्रिप्ट है ये बेसिकली, एक सेकेंड, हाँ स्क्रिप्ट है, ओके, ये हमारी देवनागरी की स्क्रिप्ट है और दूसरी हमारी है बंगाली की। तो हम क्या करेंगे, हम इसकी हेल्प से किसकी हेल्प से, ISCII कोड की हेल्प से अपनी जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं वो जो स्क्रिप्ट्स हैं उनको भी हम प्रोग्रामिंग के अंदर कंप्यूटर में उनको यूज कर सकते हैं। तो बस इसी वीडियो के साथ में यहाँ पे चैप्टर 2 आपका कंप्लीट होता है और हम आगे अगली वीडियो से, अब आप लोग कमेंट करके बताओगे कि आपको चैप्टर 3 पहले कवर कराया जाए, बिकॉज कई स्कूलों में मेरा सिलेबस थोड़ा लेट हो गया था तो चैप्टर 3 तो मैं दो से तीन दिन में कंप्लीट कर दूंगा, इसके बाद आपका चैप्टर 6 से भी शुरू करना है, बट चैप्टर 6 शुरू करने से पहले चैप्टर 5 भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज चैप्टर 5 जो है आप देखो मैं आपको बता दूं चैप्टर 5 में है क्या बेसिकली, आप लोग अगर ये चीज समझ गए तो फिर बात है कुछ और। देखो चैप्टर 5 में फ्लो ऑफ कंट्रोल, यानी कि अगर आपने चैप्टर 5 नहीं पढ़ा और आप सीधे अपने चैप्टर 6 पे जाओगे तो यार आपको जब प्रोग्राम करोगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, अगर हम चैप्टर 5 अच्छे से कर लेंगे तो हमें दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आपको चैप्टर जो 5 है वो पहले करा दिया जाए सही से। तो इसके लिए यार आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ताकि थोड़ा सा मेरा मोटिवेशन बढ़े और मैं आप लोगों को ऐसे ही कंटेंट बना के दूं जिससे कि आपकी प्रोग्रामिंग की नॉलेज इंक्रीज होनी चाहिए और नंबर तो आप अपने आप ले आओगे।
बाकी बस मिलेंगे आप सभी से एक और ऐसे अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।